ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार जरा ये कंफर्म कर दीजिए इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आप अगर मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द लेक्चर। ऑल राइट, तो भाई देखो, एमपीसीजे के लिए हम लोग ये क्रैश कोर्स फिलहाल कर रहे हैं। दो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो किसी भी स्टेट के लिए आप पढ़ लेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग हर स्टेट जुडिशरी के सिलेबस का पार्ट है, तो अगर आप इस सीरीज में इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, जैसे इस सीरीज में आप ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट फॉर जुडिशरी का जो ये चैनल है, इसका जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, वहां जो एमपीसीजे की प्लेलिस्ट सेपरेटली बनी हुई है अभी, उसमें सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी, एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर एनी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन। वो सब्जेक्ट जहां भी आता है अगर आप उसको उस तरीके से उस नजरिए से पढ़ लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपसे क्वेश्चन वहां बड़े आराम से बनेंगे, एटलीस्ट प्रिलिम्स में तो बड़े आराम से सब कुछ बनेगा। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि पहले कभी पढ़ाया नहीं है, है ना, पहले कंप्लीट नहीं किया है, तो यूट्यूब पे मैंने नहीं लिया है कॉन्ट्रैक्ट का सेशन। डीजेएस में लेना था बट ड्यू टू बैड हेल्थ ले नहीं पाया था मैं, तो अभी अपन इसको कर रहे हैं। अभी मैंने प्लान किया है 3 क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, कम ज्यादा होगा तो वील मैनेज, मतलब अपन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम भागना है, चीजें समझेंगे नहीं जैसे हमने बाकी सब्जेक्ट्स में किया है, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक, सो अब एक चीज ये जरूर आप थोड़ा सा समझिएगा, विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेशली कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पढ़ते आ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, लॉ ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा, जुडिशियरी की प्रिपरेशन के दौरान आपने पढ़ा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो ईजी हैं, आराम से समझ में आते हैं। बट क्योंकि भाई मैं हर स्टूडेंट को एड्रेस करके इस लेक्चर को कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने जीवन में कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा ही नहीं है, इस हिसाब से ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें थोड़ा बहुत जानकारी है, जो थोड़ा पढ़ चुके हैं, वो भी थोड़ा सब्र बनाए रखें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें भी इस एक्ट के अंदर हैं जो शायद आपको भी समझने में प्रॉब्लम हुई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। अब ये जो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है ना, इसको लेके मेजोरिटी ऑफ लॉ स्टूडेंट्स के को जो जानकारी है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की, वो बहुत हद तक टेक्निकली सही नहीं है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन से अगर आप ये समझते हैं कि थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकती है भारत में, तो मैं आपको ये बात बता दूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि ये बहुत सही चीज नहीं है। तो ऐसी चीजों को भी हमें इस लेक्चर में कवर करना है, इन पॉइंट्स पे भी हम बात करेंगे। जैसे नेचर ऑफ माइनस अग्रीमेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा ठीक ठाक डिस्कशन हम लोगों को करना है, जिससे आपका वो जो कॉन्सेप्ट है उस चीज से रिलेटेड वो कम्प्लीटली मैं क्लियर कर पाऊं, दैट आई ट्राई। इसीलिए इजी चीजों को भी उतने ही समय और एफर्ट देके अपन पढ़ेंगे, और डिफिकल्ट चीजों को भी अगर आपको लग रहा है ये चीज आपको आती है तो भी थोड़ा सब्र बनाए रखें, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो शायद आपने समझी नहीं होंगी, आपको समझ में पहले नहीं आ पाई होंगी, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। हेल्थ मेरी दुष्यंत अमित ठीक है अभी, मतलब कंपैरेटिवली बेटर है, एकदम तो सही नहीं हो पाया है। बस भाई थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, अब आप जानते ही हो कोविड के बाद से ये सब भी बड़ा नॉर्मल नहीं रहा है अब, है ना, पहले जैसे ये सब होता था तो 2-4 दिन में ठीक हो जाता था, बट कोविड के बाद जो चेंजेस आए हैं उसके बाद ये बहुत जल्दी ठीक होने वाली चीजें अब बची नहीं है, बट इट इज फाइन, मतलब है ना, इतना है कि अपन पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाई, जैसा मैंने आपको बताया ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक और बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, बीच में मैं आपके जो आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है, कहीं कोई ऐसी चीज लग रही है आपको जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा सब्र रख के उस चीज को लिख लीजिए। प्रीरिक्विजिट क्या है इस लेक्चर के, आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेरेक्ट होना चाहिए आपके हाथ में, एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बेरेक्ट में मेंशन नहीं है, और हम उसको भी उसकी भी बात करेंगे, बहुत सारे केस लॉज में आपको बताऊंगा जहां कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो केस लॉज से ही डराइव होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो मैं आपको दूंगा। तो सारी चीजें आप नोट डाउन करते जाएं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए कॉन्सेप्ट को जो जो इंपॉर्टेंट है सब कवर करेंगे, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट का बेरेक्ट और नोटबुक और पेन लेके बैठिए,
एक बात, ये थोड़ा सा इतना कोऑपरेट आप मेरे साथ कर लें कि अगर एक टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं, मैं पहले उस टॉपिक को कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद मैं आपके डाउट्स ले लूंगा इफ रिक्वायर्ड। क्योंकि होता यह है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं, बीच में आपका डाउट आ रहा है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, मुझे ऑलरेडी वो बात बतानी होती है अपने लेक्चर में आगे, है ना। तो जैसे ही मैं एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, आई विल गिव यू टाइम कि उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो यू कैन शेयर इट थ्रू दी कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर। इसके अलावा प्लीज कोशिश करें कि डीजेएस का कट ऑफ कितना जाएगा, आंसर की आ गई है, इसके लिए बेटा सेपरेट लाइव आऊंगा मैं, आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने दो। बाकी सारा कि मध्य प्रदेश पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, हो भी जाएगा तो क्या है, नहीं होगा तो भी होना है, पढ़ना तो दोनों तरीके से, तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वैसे भी आप समझदार बच्चे हैं, सब लोग राजवत्स हैं, तो इतनी समझदारी आपके अंदर है और वही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। देखो सबसे पहले ना स्टैट्यूट के साथ, जो भी किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको स्टैट्यूट का फ्रेमवर्क बनाना होता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है अपने दिमाग में कि क्या क्या चीजें किधर दी हुई हैं इस एक्ट में, तो फिर मीनिंग समझना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। सेम चीज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ करेंगे, ठीक। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके बाद अपन एक एक करके प्रोविजन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसलिए तीन पार्ट में लेक्चर रखा है, किसी जल्दी बहुत ज्यादा जल्दी में हम नहीं है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले एक बात समझिए कि ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव इन नेचर है। एक्सक्लूसिव इन नेचर इसको मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण ये है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है, ये बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए भाई, ये एक सिविल लॉ है और ये एक सब्सटेंटिव लॉ है जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज को बताता है या डिफाइन करता है, आपके राइट्स और लाइबिलिटीज, दो पार्टीज जनरली इसमें होती हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस रिलेशनशिप को गवर्न करने के लिए स्टैट्यूट बनाया गया है। एक एक्सक्लूसिव चीज इसके बारे में यह है कि जैसे आपने आईपीसी पढ़ा या आपने लॉ ऑफ टॉट पढ़ा होगा, वहां क्या होता है, सारी चीजें डिसाइड किसने कर दी, लॉ ने डिसाइड कर दी और आपके ऊपर इंपोज कर दी गई है एज इट इज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस मामले में थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टीज को फ्रीडम देता है कि दे कैन डिसाइड देयर टर्म्स, उनका रिलेशनशिप किन टर्म्स से गवर्न होगा उसकी फ्रीडम पार्टीज को दी गई है, इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे बाकी लॉज से। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है कि आप कुछ भी डिसाइड कर लें। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली करता क्या है, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उस फ्रेमवर्क के अंदर आप अपनी चीजें डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उस फ्रेमवर्क के बाहर आप नहीं जाएंगे। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये एक बाउंड्री लाइन बना दी है, अब इसके अंदर अगर दो पार्टीज हैं ए और बी, इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो भाई आप अपने टर्म्स डिसाइड कर सकते हैं, बट दीज टर्म विल बी गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कुछ रेगुलेशन उसमें है कि आप क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करने की फ्रीडम है, आप किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अनलॉफुल पर्पसेस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल नहीं होना चाहिए कि मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं। इस तरीके का एक लीगल फ्रेमवर्क बेसिकली हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ये तो है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है किस लिए, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली डील किस चीज में करता है, क्या पर्पज है। सो पर्पज है प्रोमिसेस, प्रोमिसेस को रेगुलेट करता है, क्योंकि भाई लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं और उसको फुलफिल नहीं करते, ब्रीच करते हैं, तो इस पूरे प्रॉमिस के रिलेशनशिप को गवर्न करता है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कब एक लीगली एनफोर्सिएबल प्रॉमिस एग्जिस्टेंस में आएगा, कैसे एक लीगली एनफोर्सिएबल मतलब जिसको लॉ कंप्लाई करवाएगा। अगर आपने एक प्रॉमिस कर दिया किसी से, सामने वाले ने वो किया या नहीं किया, आपने अगर प्रॉमिस किया और आपने उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, तो अब सामने वाले के पास कुछ रेमेडी होनी चाहिए ना लॉ में, तो लॉ में रेमेडी तब होगी जब आपका प्रॉमिस भी लॉ के हिसाब से हुआ है, ठीक। तो दैट इज बेसिकली एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अभी उसको डिटेल में थोड़ा सा मैं बताऊंगा इस चीज को, ठीक है। सो जो भी प्रोमिसेस होते हैं वर्ल्ड में या इंडिया में, बेसिकली अगर अपन बात करें तो जो प्रोमिसेस हो रहे हैं उनके ब्रीच होते हैं, लोग उसको कंप्लाई नहीं करते हैं, ऑब्लिगेशन ले लेते हैं लेकिन फिर उसको फुलफिल नहीं करते हैं, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए और इस प्रोमिस के रिलेशनशिप को गवर्न करने के लिए ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली हमारा। एक लेटिन मैक्सिम है, पैक्टा सेंट सर्वेंडा, प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, दे मस्ट बी फुलफिल्ड, पैक्टा सेंट सर्वेंडा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बेसिक पर्पस बताता है आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक।
कॉन्ट्रैक्ट डील किसमें करता है? प्रोमिसेज में। अब मैं बात करता हूं इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उस फ्रेमवर्क का, उस ब्लूप्रिंट का, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ना मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है कुछ पोर्शंस में। बेरेक्ट में ऐसा डिवीजन नहीं है। ये जो डिवीजन है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सो दैट आप प्रोविजन किधर फिट हो रहा है उस बात को समझ पाए। जैसा आपने सीपीसी के लेक्चर में भी देखा होगा, पहले हमने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया, फिर प्रोविजन को पढ़ना चालू किया कि कौन सा प्रोविजन किस चीज की बात करता है। सेम वे में अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी डील करेंगे। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रॉडली डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स, दो कैटेगरी में ये पूरा स्टैट्यूट है जो आपके सामने बेरेक्ट रखा हुआ है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो पार्ट में कैसे डिवाइडेड है? एक पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ना जनरल प्रिंसिपल्स की बात है। किस चीज की बात है? जनरल प्रिंसिपल्स की। जनरल प्रिंसिपल जो है ये कोई भी एक एक्स वाई जेड कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जिस्टेंस में आएगा तो उससे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द बात करते हैं। आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, मैंने एक ऑब्लिगेशन लिया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने एक ऑब्लिगेशन लिया कि आप फीस पे करेंगे, दैट इज एन अग्रीमेंट। हम दोनों अग्री हुए हैं इस बात पे, अगर ये सारे एसेंशियल्स फुलफिल करेगा तो एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके और मेरे बीच का। इसके जो जनरल बातें हैं वो एक पोर्शन में डील होती हैं, और ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 से 75। ये जो पूरा है जनरल प्रिंसिपल, ये किस में डील होता है? 1 to 75, सेक्शन 1 to सेक्शन 75 में ये डील होता है। इसके अलावा दूसरा जो कैटेगराइजेशन है वो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये किसी भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको अलग से स्पेसिफाई कर दिया गया है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज एजेंसी, इनको अलग से कैटेगराइज कर दिया गया है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि जो जनरल प्रिंसिपल हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ेंगे इन कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़े बहुत वेरिएशंस है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बिना कंसिडरेशन के हो सकता है, बेलमेंट बिना कंसिडरेशन के हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, थोड़ा सा आप इस बात को मेरे ख्याल समझते होंगे। गारंटी, जैसे मान लीजिए बैंक में आप लोन लेने गए, अब बैंक क्या बोलेगा? भाई आप पे भरोसा नहीं है, आप किसी श्योरिटी को लाइए, किसी ऐसे व्यक्ति को लाइए जो आपके बिहाफ पे हमें ये अश्योरेंस दे पाए कि अगर आपने लोन पे नहीं किया तो हम उससे पैसे ले लें। ये बेसिकली होता है, तीन पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। उस पे जनरल प्रिंसिपल ना एप्लीकेबल होके अलग से उसके लिए प्रिंसिपल स्पेसिफाइड है, तो इन सबको अपन कहते हैं हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सेपरेट पोर्शन है इस स्टैट्यूट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि सेक्शन 124 से चालू हो रहा है। 1 से 75 ये हो गया, 124 ऑनवर्ड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। अब बीच का पोर्शन कहां गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में चला गया वो, ठीक। सो ये जो जनरल प्रिंसिपल है, अब जरा इसको समझिएगा कि ये जो जनरल प्रिंसिपल है ये भी सेपरेट डिवाइडेड हो सकते हैं। जो हम पूरे प्रोविजन पढ़ेंगे 1 से 75, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करके अगर आप क्लबिंग कर लेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि ये चल क्या रहा है। तो अब इस चीज को भाई बनाते रहना अपनी नोटबुक में, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्टैट्यूट को समझने के लिए। तो अब अपन आते हैं हमारे जनरल प्रिंसिपल्स पे। स्पेशल की तो अपन बात करेंगे अलग से, लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ये भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। ये दो कैटेगरीज क्या है? सो ये दो कैटेगरीज हैं, पहला है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इन दोनों बातों को जरा समझिएगा। देखो भाई, फॉर्मेशन में हम हर वो चीज पढ़ेंगे जिससे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। कब हम कहेंगे कि दो लोगों के बीच में किया हुआ अग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कब लॉ उसको एनफोर्स कराएगा, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आएगा, उससे रिलेटेड जितने प्रोविजन, जितनी बातें हम इस स्टैट्यूट में पढ़ेंगे वो सब किस हेड के अंदर हमें हमें पढ़ना है? बेसिकली हमें फॉर्मेशन के अंदर पढ़ना है कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे आप हैं और मैं हूं, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप मुझे फीस देंगे। अब इस एक कब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा उसके लिए बहुत सारे एसेंशियल्स इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। तो जितने भी प्रोविजन, जितनी भी बातें एक एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में लाएंगी वो सब हम फॉर्मेशन के
तहत पढ़ेंगे कैसे दो पार्टीज के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप डेवलप होगा, कैसे चालू होगा वो रिलेशनशिप, इसके बारे में जितने प्रावधान इस स्टैट्यूट में है उन सबको हम जनरली इस हेड के अंदर पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ना है फॉर्मेशन में, ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, उससे मिलकर अग्रीमेंट बनता है, और इसके अलावा लीगल इंटेंशन होना चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट में, कंसीडरेशन होना चाहिए, ये सब एसेंशियल्स हैं। पार्टीज होनी चाहिए कैसी, कॉम्पिटेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस फॉर्मेशन को दर्शाती हैं कि क्या जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में आने के लिए, क्या बातें जरूरी हैं जिससे दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप शुरू होगा। ये जितने भी प्रावधान, ये जितनी भी चीजें हैं उस सबको हम इस फॉर्मेशन में पढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है दैट इज डिस्चार्ज, अब ये ना बड़ा स्कैटर्ड है, फॉर्मेशन वाला पोर्शन तो फिर भी आपको एक साथ मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 1 से आप स्टार्ट करेंगे तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तक सब कुछ फॉर्मेशन का ही पार्ट है लगभग, लेकिन बीच बीच में कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रोविजन आ जाते हैं जैसे सेक्शन 38, 39 वगैरह, तो वो क्या कहानी है उसको थोड़ा समझिएगा। एक तो ये पार्ट कि दो पार्टीज के बीच में वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कैसे चालू होगा, कहां से वो स्टार्ट होगा, उसके लिए क्या जरूरी है। दूसरा, डिस्चार्ज में हम हर वो चीज पढ़ेंगे जिससे दो लोगों के बीच जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है वो कैसे खत्म होगा, ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एंड कैसे होगा, एंड होने को ही बेसिकली हम डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज मतलब पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन से अब खत्म हो गया उनका ऑब्लिगेशन, डिस्चार्ज मतलब रिलीव हो गए वो, अब उन्हें ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, इसको हम कहते हैं बेसिकली डिस्चार्ज। और इसके कई सारे मोड इस स्टैट्यूट में दिए हैं जो कि स्कैटर्ड हैं इधर उधर, उसी को बेसिकली क्लब करने के लिए मैंने आपको यह कहानी बताई है। ठीक, तो देखिए डिस्चार्ज में सबसे पहले अब आप एक थोड़ा सा प्रूडेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई है, दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो खत्म कैसे होगी। तो सबसे पहला और बहुत ऑब्वियस मोड है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से भी डिस्चार्ज होगा, होगा कि नहीं भाई, अगर आपने एक ऑब्लिगेशन लिया, मैंने एक ऑब्लिगेशन लिया कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, तो हमारा वो लीगल रिलेशनशिप खत्म कॉन्ट्रैक्ट का, इट कम्स टू एन एंड, हम रिलीव हो गए अपने ऑब्लिगेशन से। मैंने ऑब्लिगेशन लिया पढ़ाने का, आपने ऑब्लिगेशन लिया पैसे देने का, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पैसे दे दिए, बात खत्म, इट कम्स टू एन एंड, द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड। सो डिस्चार्ज के अंदर ही बेसिकली हमको पढ़ना है परफॉर्मेंस। तो एक तो ऐसे हो जाएगा कि परफॉर्म कर दे, दूसरा एक चीज आप इसमें पढ़ेंगे बाय इम्पॉसिबिलिटी, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। इम्पॉसिबिलिटी मतलब अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए, संभव ही ना हो प्रैक्टिकली कि अब वो चीज हो सकती है। ये इम्पॉसिबिलिटी कई तरीके की होती है, लीगल इम्पॉसिबिलिटी, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे मान लीजिए आपने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी गाड़ी आपको बेचूंगा 5 लाख रुपए में, परफॉर्मेंस डिसाइड हुई थी कि सर 1 जनवरी को खरीदेंगे नए साल में, आपने कहा 1 जनवरी को आप देना और हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, उसके पहले ही मान लीजिए 25 दिसंबर को वो गाड़ी चोरी हो गई, मान लीजिए वो डिस्ट्रॉय हो गई जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो अब मैं प्रैक्टिकली अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर सकता हूं क्या अगर सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया? नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया कि मैं आपको एमपीसीजे के लिए पढ़ाऊंगा जो कि 14 जनवरी को होने वाला है, अब एमपीसीजे का एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर वो ही खत्म हो जाए तो पर्पज ही फोरफिट हो गया। जब पर्पज ही फोरफिट हो गया तो हम अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएंगे, दोनों अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएंगे, इसको कहते हैं बाय इम्पॉसिबिलिटी। इसके बाद एक चीज हम पढ़ेंगे तीसरा डिस्चार्ज में, दैट इज बाय नोवेशन, ऑल्टरेशन, नोवेशन, ऑल्टरेशन और अग्रीमेंट, ये एक तीसरी कहानी है डिस्चार्ज की। इसमें बेसिकली क्या पढ़ेंगे, देखिए एक तो अग्रीमेंट जो मैंने लिखा है ना, नोवेशन, ऑल्टरेशन और अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का मतलब पार्टी खुद अग्री कर ले एक दूसरे को डिस्चार्ज कर दे ऑब्लिगेशन से, ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने प्रॉमिस किया, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इस एग्जामिनेशन के लिए, आपने खुद ही ये बोल दिया कि ठीक है सर मत पढ़ाओ आप, इट्स ओके, आपने खुद ये चीज अग्री कर ली कि ठीक है यार मत पढ़ाओ रहन दो,
सो दैट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज, इससे भी मैं अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। या मान लीजिए मैंने आपको पढ़ा दिया और फिर आपको अपना ऑब्लिगेशन जो फुलफिल करना था फीस देने का, तो वो ऑब्लिगेशन मैं खुद आपको डिस्चार्ज कर देता हूं उस ऑब्लिगेशन से। अगर मान लीजिए आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप फीस पे करेंगे, मैंने खुद आपको डिस्चार्ज कर दिया कि ठीक है यार पढ़ लिया एग्जाम निकाल लो, फीस वीस रहने दो। नहीं, ऐसा करूंगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता ऐसा। मैंने आपको पहले ही कहा है मैं बहुत मतलबी व्यक्ति हूं, यहां भी आए हो पढ़ने तो ऐसे ही मत चले जाना। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। ये करना है, अपन फ्री में कुछ नहीं करते, पहले भी बताया है मैंने, ठीक। लेकिन अगर मैं आपको डिस्चार्ज कर दूं आपके ऑब्लिगेशन, खुद विलिंगली डिस्चार्ज कर दूं, तो लॉ को क्या दिक्कत होगी? लॉ को कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज, इसको अपन कहते हैं कि अग्रीमेंट के थ्रू पार्टी ने अग्री कर लिया। अभी वो उसके लिए प्रोविजंस हैं, कंटेंट अभी अपन इंडेक्स खोलेंगे, और ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं इसका पूरा दर्शन कराऊंगा मैं आपको इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कहां ये बातें करी गई है, ठीक। इसके अलावा नोवेशन और ऑल्टरेशन। नोवेशन मतलब चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए आपके और मेरे बीच में आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई मैं आपको एमपीसीजे प्रीलिम्स के लिए पढ़ाऊंगा और आप बदले में मुझे कंसीडरेशन देंगे, आप मुझे कुछ फीस पे करेंगे। अब होता यह है कि ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो 70% वाला रूल रहेगा और आपके 70% है नहीं, आप इन एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को ये बदल लेते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की बजाय एक उसी को रिप्लेस करते हुए नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि सर यूपीजे की भी वैकेंसी आ रही है, उसमें हम एलिजिबल है, वहां कोई क्राइटेरिया का रूल नहीं है, तो आप जो एमपी के लिए पढ़ा रहे थे अब हमको आप यूपी के लिए पढ़ा दो। तो एक जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिप्लेस करके ऑन ऑन इट्स पोजिशन उसको हटा के उसकी जगह हमने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसको अपन कहते हैं बेटा नोवेशन। इसको कहा जाता है नोवेशन, एग्जिस्टिंग भाई, क्योंकि हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पिछला वाला अपने आप पिछले अग्रीमेंट से या कॉन्ट्रैक्ट से हम अपने आप डिस्चार्ज हो गए। अब आपने कह दिया कि सर आपने फीस तो ले ही लिए, एक काम करो आप तो हमको ये पढ़ा दो, अब यूपीजे का पढ़ा दो आप, तो अपने आप में आपके एमपीजे पढ़ाने के ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। तो जहां एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करके नया कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज कर लेती हैं, दैट्स कॉल्ड नोवेशन, दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ डिस्चार्ज इटसेल्फ, क्योंकि भाई यहां पे भी पार्टी अपने पुराने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो रही है, रिलीव हो रही है। इसके अलावा एक जो और मोड आप देखेंगे डिस्चार्ज का, दैट इज बाय ब्रीच। भाई देखो ब्रीच से भी क्या होता है, रिलेशनशिप तो खत्म होती ही है। ब्रीच मतलब पार्टी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म ना करे, कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर हुए लेकिन अपना ऑब्लिगेशन वो परफॉर्म ना करे। बाद में आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सर पढ़ा दो और आपके सब्सक्राइबर बढ़वाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम वीडियो शेयर करेंगे और आपके सब्सक्राइबर्स बढ़वाएंगे, आपने पढ़ तो लिया, मजे ले लिए इधर आके, पूरा सब्जेक्ट ये भी पढ़ा दो, केस लॉ भी बता दो, सब करा दो, और मैंने सब करवा भी दिया है, और आप देखिए 32 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सिर्फ 27 है, ये आपकी फितरत है क्योंकि। तो आपने अगर मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप मेरे इस वीडियो को प्रमोट करेंगे, मैंने तो पढ़ा दिया, आपने अगर अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीच बोलते हैं, इसी को कहते हैं ब्रीच। और अभी मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पर्पस क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पर्पस क्या है, लोग अपने प्रोमिसेस से पीछे ना हटे, ब्रीच ना करें, और हम कह रहे हैं कि ब्रीच इज ऑल्सो अ मोड ऑफ डिस्चार्ज। तो भैया आपने अपना परफॉर्म नहीं किया ड्यू डेट पे, कोई भी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डेट होगी या जहां स्पेसिफाइड नहीं है वहां रीजनेबल टाइम में आपको करना है, वो अगर आपने नहीं किया तो भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड, वो जो फॉर्म हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप दैट कम्स टू एन एंड, लेकिन अब आपको ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा। ब्रीच करके भी अगर आपको डिस्चार्ज ऐसे ही दे दिया जाए तो फिर इस पूरी रचना को करने का कोई मतलब नहीं हुआ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। इसीलिए ब्रीच के लिए क्या प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ब्रीच के केसेस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेमेडी प्रोवाइड करता है अग्रीव्ड पार्टी को। मान लीजिए मैं अग्रीव्ड हूं कि आपने अपना जो ऑब्लिगेशन था वो फुलफिल नहीं किया, मुझसे तो अपना ऑब्लिगेशन आपने करवा लिया लेकिन अपना ऑब्लिगेशन आपने अगर फुलफिल नहीं किया है उसको बोलते हैं ब्रीच, और उसके बदले में मुझे मिलेगी क्या, रेमेडी। अब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या रेमेडी देता है, तो सबसे प्राइमरी रेमेडी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है वो है आपका डैमेजेस। ब्रीच के केस में क्या मिल जाएगा, डैमेजेस, कॉम्पेंसेशन बेसिकली प्रोवाइड कर दिया जाता है इन केस ऑफ ब्रीच। ये सबसे प्राइमरी, और भी रेमेडीज हैं, क्वांटम मेरिट है,
बाकी चीजें भी अपन पढ़ेंगे, अवॉइडेबल के केस में जो इक्विटी वो सब डील करेंगे, बट सबसे प्राइमरी रेमेडी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है वो डैमेजेस है, और हर केस में डैमेजेस जस्टिस कर दें ऐसा होता नहीं है। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है एक एक्ट जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर नहीं देखा है तो कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद उसको देखना, तो और ज्यादा समझ पाओगे आप, क्योंकि यहां जो रेमेडी है डैमेज ये हर केस में जस्टिस करे ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए एक सेपरेट स्टैट्यूट बनाया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और उसमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे रिलीफ्स की बात करी गई, नॉट जस्ट डैमेजेस, इसके अलावा भी बहुत सारे रिलीफ्स की बात वो एक्ट आपका करता है, और वहां आपको बहुत सारी रेमेडीज मिलती हैं। तो ये सब बेसिकली हमको इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ना है, इसीलिए स्टैट्यूट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जनरल प्रिंसिपल, और पहले कौन सा डिवीजन था, जनरल प्रिंसिपल और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, और जनरल प्रिंसिपल को अपन ने दो पार्ट में बांट लिया है। अब जरा बेरेक्ट में अपना इंडेक्स वाला पोर्शन ओपन कर लीजिए, तो एक बार समझ लेते हैं इस पूरी कहानी को, जरा एक बार समझ लेते हैं। एक बार जरा कमेंट देख लूं, मेजर केसेस रिगार्डिंग दिस, यस बिल्कुल मनोरमा जी, मैं बिल्कुल, मेजर केसेस के बिना बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, तो इस सेशन में मैं केसेस डील करूंगा, है ना, बिल्कुल डील करेंगे उसको अपन। और क्या है, बोर्ड का कुछ है, ब्लैक पेन यूज कर लूं मैं, व्हाइट पे बोर्ड देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, एक बार बाकी लोग भी कंफर्म दे दें कर दें अगर आपको बोर्ड को पढ़ने में कुछ समस्या हो रही हो तो, क्योंकि जो जनरल ओपिनियन है वो ये है कि ब्लैक बोर्ड पे दूसरे कलर्स यूज करे जाते हैं तो ज्यादा बेटर विजिबिलिटी होती है, और अगर आपको पढ़ने में समस्या हो रही है तो एक चीज ये कर लीजिएगा कि सेटिंग्स में जाके 720p रेजोल्यूशन कर लीजिए, तब समझ आएगा, है ना, रेजोल्यूशन। और मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, आप जानते हैं, काफी टाइम से आप मुझे जानते हैं तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए मैं बोलते जाता हूँ अगर आपको, हाँ व्हाइट में प्रॉब्लम होती है सुरभि जी कह रहे हैं, ऑल राइट, क्योंकि उसमें ना कलर वाला यूज नहीं कर पाते हैं, व्हाइट में थोड़ा नॉर्मली यूज हो पाता है। चलो बहुत ज्यादा लिखने का काम है नहीं, आप अपनी नोटबुक चालू रखिए, मैंने आपको पढ़ के सब बता दिया क्या क्या है, एक बार चाहे तो इसको दोबारा बता देता हूँ, बाय परफॉर्मेंस, बाय इम्पॉसिबिलिटी, नोवेशन, ऑल्टरेशन और अग्रीमेंट, और ये है बाय ब्रीच, ठीक है, तो वो शायद बोर्ड की दिक्कत नहीं है, मेरी सुंदर हैंडराइटिंग की दिक्कत हो सकती है। तो भाई अब जरा इंडेक्स निकाल लीजिए बैरेट में, एक बार जरा क्विकली अपन इन सारी चीजों को देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये चीजें मिलेंगी, फिर अपन उसको पढ़ेंगे। तो इंडेक्स में देखिए, सबसे पहले पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी शॉर्ट टाइटल डेफिनेशन, बहुत इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है इसका सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर एक्सेप्टेंस ये सब जो है ना फॉर्मेशन से रिलेटेड, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन अग्रीमेंट्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट, सबकी डेफिनेशन अपने को इधर ही मिलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद चैप्टर 1 देखिए, बात करता है ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये पूरा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, ये फॉर्मेशन का ही पार्ट है, ये जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफर एक्सेप्टेंस, कब वो ऑफर मान लिया जाएगा, कब वो ऑफर नहीं माना जाएगा, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा, कब एक्सेप्टेंस होगी भाई, क्योंकि पूरा वो जो एसेंशियल्स है वो सारी बातें आपको इस चैप्टर के तहत मिलेंगी। चैप्टर 2 है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड अग्रीमेंट। अब ये आपको बताएगा कि फॉर्म करने के लिए जरूरी एसेंशियल्स तो है ही, क्या क्या, वो सेक्शन 10 में दिया है कि कब एक अग्रीमेंट लॉफुली एनफोर्सिएबल होगा, कब एक अग्रीमेंट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स है ये आपको सेक्शन 10 में मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा यहां बहुत सारे एसेंशियल्स डिस्कस करे गए हैं, जैसे फ्री कंसेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिएबल, अग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल बनाने के लिए, इसके साथ साथ पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जैसे माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, ऐसी बहुत सारी बातें इस चैप्टर में आपको मिलेंगी, ठीक। उसके बाद वॉइड अग्रीमेंट की एक हेडिंग आप देख रहे होंगे सेक्शन 24 के ऊपर, अब यहां पे बताया गया है कि कब अग्रीमेंट वॉइड होता है और वो कभी भी एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता, उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है तब वो नहीं हो सकता। उसके अलावा कुछ अग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली बताया गया है कि ये भले ही सारे एसेंशियल फुलफिल कर दे तो भी ये वैलिड नहीं हो, तब भी ये कभी एनफोर्सिएबल नहीं रहेंगे, ये हमेशा वॉइड होंगे। अगर आपको इन सारी टर्मिनोलॉजीज को समझने में फिलहाल कोई दिक्कत हो रही है जो मैं यूज कर रहा हूं वॉइड एनफोर्सिएबल, तो बस 5 मिनट का और मुझे समय देना, मैं हर चीज आपकी क्लियर कर दूंगा, वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है, सब पे आएंगे। एक बार सिर्फ
ब्लूप्रिंट बना लें स्टैट्यूट का, फिर एक एक करके सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा। सो यहां पे ये जो अग्रीमेंट्स हैं, ये ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो भले ही एसेंशियल फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया है कि ये तो भैया वॉइड ही रहेंगे, इनका लीगल इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जनरली ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, ये कॉन्शियंस के अगेंस्ट है, ह्यूमन कॉन्शियंस के अगेंस्ट ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक, चैप्टर टू बात करता है ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट वो होते हैं जो कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऑब्लिगेशन फुलफिल करेंगे, जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, गाड़ी में आग लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, ऐसे नहीं देगी। दीज आर कंटेंजेंट, वेजरिंग कंटेंजेंट का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे विथ एग्जाम्पल अपन। इसके बाद अगला चैप्टर देखिए ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब अपन इधर आ जाएंगे इसके बाद डिस्चार्ज वाले मोड में। तो परफॉर्मेंस में 37 से जो चालू हो रहा है ये परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कब मान लिया जाएगा कि पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया, इसमें भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये आ जाएंगे अपन डिस्चार्ज में बाय परफॉर्मेंस। इसके बाद परफॉर्मेंस रिलेटेड सारी बातें हैं, कौन करेगा, किस समय होना चाहिए, किस जगह परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो सारी बातें। उसके बाद आप देखिए यहीं पे एक 56 आएगा, सेक्शन 56 मार्क कर लीजिए, वो ये है बाय इम्पॉसिबिलिटी आप डिस्चार्ज जाएंगे, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन समझेंगे। ये किधर दिया है, सेक्शन 56 में, उसको अलग से मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म, सेक्शन 62 के ऊपर देखिए एक हेडिंग लिखी है, सब हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म तो हो गए लेकिन उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये सब आएगा, नोवेशन ऑल्टरेशन और अग्रीमेंट, पार्टी खुद अग्री कर लेती है कि चलो ठीक है यार तुम अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल मत करना, वो सब इधर लिखा है। सेक्शन 62 देखिए, इफेक्ट ऑफ नोवेशन रेसेशन एंड ऑल्टरेशन। 63, प्रोमिसी मे डिस्पेंस विद और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, प्रोमिसी खुद डिस्पेंस कर सकता है, खुद आपको छोड़ सकता है कि चल ठीक है यार मत करना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म, वो यहां पर दिया हुआ है। इसके बाद अगला चैप्टर जो है चैप्टर 5 ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, इनको कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये इस चेन में कहीं नहीं आएगा, इसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह रिलेशनशिप्स होते हैं लेकिन एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल नहीं होते, लेकिन ये भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही पार्टीज पे बाइंडिंग होते हैं, आपको फुलफिल करना पड़ता है भले ही वो एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसीलिए चैप्टर का नाम है ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे रिलेशनशिप है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल करते हैं, उसके जैसे हैं, इसको सेपरेटली अपन पढ़ेंगे, और इन्हें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए चैप्टर 6 ऑफ द कंसीक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंसीक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक मोड है। ब्रीच कहां से निकलेगा, परफॉर्मेंस से ही निकलेगा, परफॉर्म कर दिया तो परफॉर्मेंस, नहीं किया तो ब्रीच। ब्रीच में भी अपन पढ़ेंगे एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है एस्पिरेंट्स को कि एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या है, उसके कंसिक्वेंसेस या इफेक्ट क्या होते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच के, वो सब मैं आपको बताऊंगा विद केसेस। ठीक, वो सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है चैप्टर 6 से 73 से लेकर 75 तक जो चल रहा है, ये बेसिकली इस रेमेडी की बात कर रहा है, जो मैंने आपको कहा ना डैमेजेस की रेमेडी, बेसिकली ये उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, जो यहां से रिपील हो गया वो अलग चला गया है। उसके बाद जो चालू हो रहा है आपका चैप्टर 8 ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, यहां से हमारे वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएंगे, ये अपना वो सेकंड पोर्शन हो जाएगा, इसको भी हम डील करेंगे प्री में। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, कम बनते हैं, ज्यादा सवाल कहां से बनते हैं आपके जनरल प्रिंसिपल से, 1 से लेके 75, और 1 से लेके 75 में भी अगर आप देखेंगे सेक्शन 129 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग जो पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट का वो यही है, लेकिन यहीं से आपके कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन चालू होगी। अगर इन प्रिंसिपल्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो उसके बाद आपको आगे के प्रोविजन समझने में दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको श्योर कर सकता हूं। सो दैट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टैट्यूट, ये सारी चीजें यहां फिट हो रही हैं जैसा आपने देखा। अब अपन बात करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस में आने की, फॉर्मेशन में आने की, और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखिए अगर एक ब्रीफ में मैं आपसे बात करूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने में क्या क्या चाहिए, तो वो कहानी हमारी चालू कहां से होती है इसको जरा समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की, जरा इंटरप्रिटेशन क्लॉज निकाल लीजिए अपने बेरेक्ट में, जरा सेक्शन 2 निकाल लीजिए, और सेक्शन 2 का जो क्लॉज एच है, ये क्लॉज एच बात करता है डेफिनेशन की कॉन्ट्रैक्ट के।
कॉन्ट्रैक्ट कहां से आएगा, कैसे आएगा, पहले उसको समझते हैं, उसी में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजों की मैं बात करूंगा। सो 2H में डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में, इसकी डेफिनेशन के दो एसेंशियल्स आपको मिलेंगे अगर आप उस डेफिनेशन को देखेंगे 2H में। जरा एक बार मेरे साथ बेरेट में इस डेफिनेशन को देख लीजिए। यहां लिखा है एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कोई भी अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए क्या जरूरी है, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट, और ये अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एक अग्रीमेंट होना चाहिए और वो अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, लॉ से एनफोर्सिएबल। अब पहले ना अपन समझ लेते हैं इस एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब, फिर अग्रीमेंट को समझेंगे। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब जिसको लॉ आपके ऊपर इंपोज करेगा, अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो लॉ आपसे करवाएगा, उसको हम कहते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लॉ आपके ऊपर एनफोर्स करेगा, इंपोज करेगा उस ऑब्लिगेशन को। एनफोर्सिएबल बनता कैसे है, उसके लिए बहुत सारे एसेंशियल्स फुलफिल करने पड़ते हैं जो आपके दिए हैं सेक्शन 10 में। कहां दिए हैं, सेक्शन 10 में दिए हैं बहुत सारे, उसके अलावा भी कुछ है। ठीक, एक बार जरा सेक्शन 10 निकाल लीजिए साथ में बेरेक्ट में। तो सेक्शन 10 को अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहां लिखा है व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अग्रीमेंट वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होंगे। 2H ने क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट्स होंगे जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होंगे। तो सेक्शन 10 बेसिकली हमको क्या बता रहा है, क्या एसेंशियल्स एक अग्रीमेंट में होंगे जो उसको एनफोर्सिएबल बनाएंगे लॉ से। सो देखिए, इसमें लिखा है ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। तो ये एक एसेंशियल हो गया, फ्री कंसेंट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए और आपका कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और वो अग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं। अभी हमने एक पोर्शन देखा था सेक्शन 26 ऑनवर्ड्स जो चालू होता है, वो ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जिनको एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया कि ये तो हमेशा वॉइड ही रहेंगे, वो कभी एनफोर्सिएबल नहीं होंगे। ठीक, तो ये उनकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, सेक्शन 10 से तो कुछ एसेंशियल निकल के आए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, अग्रीमेंट बनाने में भी और अग्रीमेंट को एसेंशियल बनाने में भी हमें पढ़ना है। तो अग्रीमेंट एसेंशियल कब होगा, यहां अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज। फिर बात करूं तो इन पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए, सो अगला हो गया फ्री कंसेंट। इसके बाद जो यहां पे बात करी गई है, आपका ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। और एक एसेंशियल है, नो एक्सप्रेस बार, एक्सप्रेसली बार नहीं होना चाहिए, नो एक्सप्रेस बार मतलब एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं होने चाहिए अग्रीमेंट। 26 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, 27 देखेंगे अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड प्रोफेशन बिजनेस, 28 देखेंगे अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। उनको एक्सप्रेसली बोल दिया है कि ये अग्रीमेंट तो कभी वैलिड होंगे ही नहीं, हमेशा वॉइड ही रहेंगे, ये हमेशा वॉइड रहेंगे, तो वो एनफोर्सिएबल कभी नहीं कहलाएंगे। तो ये एसेंशियल सेक्शन 10 बता रहा है, और ये एसेंशियल किस पे अप्लाई होंगे, एक अग्रीमेंट पे। अब देखते हैं अग्रीमेंट क्या होता है, हमने ये तो देख लिया कि एक अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल कब होगा, जरा देखिए कि एक अग्रीमेंट क्या होता है। इसके लिए वापस सेक्शन 2 पे आइए, यहां डिफाइन किया गया है। देखो, जो कोडिफाइड स्टैट्यूट्स होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं, उनके साथ फायदा यही है कि हर चीज डिफाइन होती है। So, जरा सेक्शन 2E निकाल लीजिए, अग्रीमेंट की डेफिनेशन किधर दी है, 2E में दी है। यहां लिखा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट।
अब ये जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन आपको लग रही होगी, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। इजी करने के लिए अभी आप फिलहाल अग्रीमेंट का मतलब सिर्फ इतना समझिए, एवरी प्रॉमिस एंड और उसके बाद जितनी कहानी है उसको फिलहाल छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि उसको मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उसको एक दूसरे हेड के अंदर बताऊंगा जहां आप उसको ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। सो एवरी प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट, जो कॉमा के बाद लिखा है बस वो, इतना ही पढ़िए अभी। एवरी प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट, बीच वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, वो क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद इसी क्लास में बताऊंगा। सो देखिए, अग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस होता है। एवरी प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट। इज एवरी अग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट? भाई हर प्रॉमिस अग्रीमेंट है, लेकिन क्या हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो। अग्रीमेंट सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होंगे, और एनफोर्सिएबल बाय लॉ कब होंगे? जब ये एसेंशियल फुलफिल करेंगे। एक अग्रीमेंट अगर ये एसेंशियल फुलफिल कर देगा तो उसको हम कहेंगे दैट इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, और अगर अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तब जाके वो क्या बनता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर मान लीजिए अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, ऐसे अग्रीमेंट को बेटा अपन कहते हैं, जरा पहले एक कहानी इधर समझ लीजिए अग्रीमेंट के बारे में। इधर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको करूंगा। अग्रीमेंट जो है, एक तो होगा एनफोर्सिएबल बाय लॉ, लॉ से एनफोर्सिएबल कब होता है? जो उधर अपन ने एसेंशियल देखे सेक्शन 10 में। अगर ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो ये क्या बन गया? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एक अग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, कब होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ? अगर वो सारे एसेंशियल फुलफिल कर दे तो ये क्या बन जाता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं है, दैट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, लॉ से एनफोर्सिएबल अगर अग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसे अग्रीमेंट को क्या कहते हैं? ऐसे अग्रीमेंट को अपन कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। ऐसे अग्रीमेंट को क्या कहते हैं? वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड का मतलब ही ये होता है जो एनफोर्सिएबल ना हो लॉ से, लॉ जिसको इंपोज नहीं करेगा पार्टीज पे, उसको अपन कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। आई होप यू गेटिंग दिस। सेक्शन 2 जी निकाल लीजिए डायरेक्ट में, देखो वहां डेफिनेशन दी है वॉइड अग्रीमेंट की, यही दी है कि नहीं? यहां लिखा है एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ऐसे अग्रीमेंट्स जो एनफोर्सिएबल नहीं है इज सेड टू बी वॉइड, जो एनफोर्सिएबल है दैट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सिएबल कब होगा? जब ये एसेंशियल फुलफिल कर देगा। आई होप यू गेटिंग दिस। तो एक प्रॉमिस हुआ, हर प्रॉमिस अग्रीमेंट है, अगर ये अग्रीमेंट ये एसेंशियल फुलफिल करेगा तो इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब बात करते हैं प्रॉमिस की। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज और इधर पे ही मैं आपको समझा दूं इस वॉइड अग्रीमेंट के साथ, कि देखो ये तो बात करी हमने वॉइड अग्रीमेंट की, अग्रीमेंट अगर वॉइड है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है वॉइड, एक होता है हमारा वॉइड अग्रीमेंट, इसको भी समझ लीजिए। वॉइड अग्रीमेंट और एक होता है हमारा इलीगल अग्रीमेंट। इलीगल अग्रीमेंट, क्या ये दोनों अलग हैं, वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट? यस दे बोथ आर। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। वॉइड वो है जो लॉ से एनफोर्सिएबल नहीं है, लॉ जिसको इंपोज नहीं करेगा। इलीगल अग्रीमेंट्स वो होते हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। इलीगल मतलब जो प्रोहिबिट कर दिए गए हैं, दे आर इलीगल, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो आप कर ही नहीं सकते, जिनको अगर आप कर रहे हैं तो लॉ लॉ आपको रोकेगा, दैट इज इलीगल। जैसे स्मगलिंग का अग्रीमेंट, मर्डर करने का अग्र, कोई भी ऑफेंस करने का अगर आप अग्रीमेंट करते हैं तो क्या वो इलीगल है? द आंसर इज यस, क्योंकि इट इज अ पनिशेबल एक्ट अंडर आईपीसी, कॉन्स्पिरेसी कहलाता है कि नहीं? ऑफेंस करने का अग्रीमेंट तो वो करना ही अलाउड नहीं है, उसको अपन कहते हैं इलीगल।
वॉइड हम किसको कहते हैं जो एनफोर्स नहीं कराएगा कोर्ट। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक अग्रीमेंट वॉइड तो है लेकिन वो इलीगल नहीं है, जैसे अग्रीमेंट विद अ माइनर। भैया क्योंकि माइनर कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसीलिए अगर आपने माइनर के साथ अग्रीमेंट कर लिया है तो वो वॉइड है। वॉइड है मतलब कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं करेगा। लेकिन क्या आप कर ही नहीं सकते? क्या लॉ आपको प्रोहिबिट कर रहा है? नहीं, आपको प्रोहिबिट नहीं कर रहा। आप चाहे तो अग्रीमेंट करिए, दोनों अपनी सहमति से अगर उसको कंप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सोशल नेचर के जो अग्रीमेंट होते हैं दे आर वॉइड, उसमें लीगल इंटेंट मिसिंग होता है। अभी उसकी मैं डिटेल में भी बात करूंगा, लेकिन आप समझिए, अगर मान लीजिए मैंने आपसे जैसे कहा कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन इस शर्त पे पढ़ाऊंगा कि इस वीडियो को लाइक किए बिना आपको जाना नहीं, अब दिस इज मेयरली एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर। इसमें कोई लीगली बाइंडिंग इंटेंशन नहीं है पार्टीज का एक दूसरे को लीगली बाइंड करने का, ठीक। लेकिन अगर आपने फीस पे कर दी और आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो लीगली बाइंडिंग होगा, उस पर अभी डिटेल में भी मैं बात करूंगा। तो अभी एक बात समझिए कि ऐसे जो अग्रीमेंट्स हैं जो सोशल नेचर के, दे आर वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होंगे, वो एनफोर्सिबल नहीं होंगे, लेकिन वो इलीगल नहीं है। आप चाहें तो करिए, और आप दोनों पार्टी सर्वसहमति से अगर ऑब्लिगेशन फुलफिल करना चाहें तो करिए, लॉ आपको रोक नहीं रहा उसको करने से। इसको अपन कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल। एक बात समझिएगा, ऑल द इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। जैसे अगर ये सर्कल है किस चीज का, वॉइड का, वॉइड अग्रीमेंट का, तो इसके अंदर एक सर्कल आएगा किसका, इलीगल का, क्योंकि हर इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होता है, क्योंकि भैया जो लॉ प्रोहिबिट कर रहा है उसको कभी एनफोर्स तो लॉ नहीं ही करवाएगा, उसको एनफोर्स तो नहीं ही कराएगा। मर्डर के अग्रीमेंट को लॉ कभी एनफोर्स नहीं कराएगा। तो हर इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होता है लेकिन सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। जैसे अग्रीमेंट विद अ माइनर, माइनर के साथ अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है, एनफोर्सिएबल नहीं होता इसलिए वॉइड होता है, लेकिन वो इलीगल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सो दैट इज ऑल्सो अकॉल। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो जिनको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से पहले से पता हो। इसका सिग्निफिकेंस ये है बेटा कि जो वॉइड अग्रीमेंट होते हैं इनके जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है उस पे क्या इंपैक्ट होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है और यहां कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। इलीगल अग्रीमेंट का अगर कोई कोलेटरल ट्रांजैक्शन है तो वो भी प्रोहिबिटेड होता है, वो भी इलीगल होता है। लेकिन वॉइड अग्रीमेंट का अगर कोई कोलेटरल ट्रांजैक्शन है तो वो वॉइड नहीं होता, वो एनफोर्सिएबल हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे होता है जरा एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इधर। हो सकता है आपको ये वॉइड इलीगल का डिफरेंस पता हो, बट ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। और अभी शायद रिसेंटली हरियाणा के प्री में या मेंस में ये सवाल आया था कि वॉइड अग्रीमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है और इलीगल का इम्पैक्ट क्या होता है, इस तरीके का एक सवाल आया था। मैं उसी से रिलेटेड बेसिकली बात आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए मैं जो बात कर रहा हूं वो कह रहा हूं कोलेटरल ट्रांजैक्शन की। मान लीजिए एक वॉइड अग्रीमेंट हुआ है और उससे रिलेटेड एक कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, तो जो कोलेटरल वाला ट्रांजैक्शन है वो वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसका एक कोलेटरल ट्रांजैक्शन है तो वैलिड नहीं होगा। कोलेटरल का मतलब जो एक से डेराइव हो रहा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, यहां मान लीजिए ए जो है ये बी के पास जाता है किस लिए, लोन लेने के लिए। ए ने बी से लोन लिया, बी ने ए को पैसे दे दिए, कितने, 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए ए ने क्यों लिए, क्योंकि इसने ना एक वेजरिंग अग्रीमेंट कर रखा था। इसने क्या कर रखा था, एक वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत पता है तो जानकारी है, नहीं भी पता है तो आप इतना समझ लीजिए वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, एनफोर्सिएबल नहीं होते। जो इस टाइप के अग्रीमेंट्स होते हैं ना स्पेकुलेशन पे बेस्ड, वो बेसिकली होते हैं आपके वेजरिंग अग्रीमेंट्स। सो अगर एक वॉइड अग्रीमेंट का जो अमाउंट हारा, ए ने क्या किया, एक वॉइड वेजरिंग अग्रीमेंट किया था और उससे उसकी उधारी हो गई, वो हार गया उस वेजरिंग अग्रीमेंट को। इस मनी को पे करने के लिए उसने बी से क्या किया, एक लोन लिया। So, देखिए ये जो वेजरिंग अग्रीमेंट है ये क्या है, एक वॉइड अग्रीमेंट। और ये जो ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है ये क्या है, एक कोलेटरल ट्रांजैक्शन। ये क्या है, कोलेटरल ट्रांजैक्शन, कि
ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है, 5 लाख रुपए ए ने बी से लोन क्यों लिया है, क्योंकि उसको ये वाली जो वेजरिंग में पैसे हारा है वो चुकाना है। अब वेजरिंग क्योंकि वॉइड होता है, इलीगल नहीं होता, वेजरिंग क्योंकि वॉइड होता है इसीलिए इसका जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, ए ने जो लोन लिया है बी से, ये वैलिड हो सकता है, ये एनफोर्सिएबल हो सकता है, ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये किसका कोलेटरल है, वॉइड अग्रीमेंट का कोलेटरल है, इसीलिए वॉइड अग्रीमेंट को डिस्टिंग्विश करना जरूरी है इलीगल से। अगर यहीं पे ये ट्रांजैक्शन इलीगल होता, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी ये जो अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट अगर इलीगल होता, इसका कोलेटरल ट्रांजैक्शन अगर ये होता तो ये भी इलीगल होता। जैसे मान लीजिए ए को क्या करना है, अब वेजरिंग अग्रीमेंट की जगह अपन यहां पे कर देते हैं, ए को क्या करना है, स्मगलिंग का बिजनेस करना है, ए को क्या करना है, स्मगलिंग करनी है, स्मगलिंग का बिजनेस करने के लिए ये बी से लोन लेता है, स्मगलिंग जो है ये वॉइड, मतलब उसने ए ने किसी और के साथ एक अग्रीमेंट किया, इसने सी के साथ अग्रीमेंट किया है कि भाई अपन ना स्मगलिंग करेंगे, अपन दुबई से सोना चुरा के लाएंगे और भारत में बेचेंगे, ये इसने इसके साथ एक अग्रीमेंट किया। अब ये जो स्मगलिंग का अग्रीमेंट है ये सिर्फ वॉइड नहीं है, ये वॉइड के साथ साथ क्या है, एक इलीगल अग्रीमेंट है, और इस चीज को फुलफिल करने के लिए, इस इलीगल अग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ए ने एक कोलेटरल अलोंग विद इट, कोलेटरल मतलब ये तो है ही उसके साथ, जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी समझते हो, मॉर्गेज जब होता है कोलेटरल रखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, अब आपने बैंक से लोन लिया तो आपको पैसे तो चुकाने हैं, लेकिन बैंक क्या बोलता है, भैया जमीन के कागज भी रख दो, दैट इज अ कोलेटरल, दैट इज अ कोलेटरल टू दैट। सो यहां पे क्या हो रहा है कि आप ये जो इलीगल अग्रीमेंट स्मगलिंग का कर रहे हैं उसके ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए आपने क्या किया, एक सेपरेट अग्रीमेंट किया, ए ने एक सेपरेट अग्रीमेंट किया बी के साथ कि भाई मेरे को स्मगलिंग का बिजनेस करना है तो मेरे को पैसे उधार दे। अब ये जो पैसे लोन लिए गए हैं दैट मे नॉट बी एनफोर्सिएबल, क्यों, क्योंकि ये कोलेटरल किसका है, ये ट्रांजेक्शन किसका कोलेटरल है, एक इलीगल अग्रीमेंट का कोलेटरल है, और क्योंकि ये इलीगल अग्रीमेंट का कोलेटरल है दिस मे नॉट बी एनफोर्सिएबल। केस का नाम लिख लीजिए, आपने कहा था ना सर केस भी बताएंगे, क्या बता रहा हूं, केस भी गेरुलाल पारेख, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, इसका नाम भी लिख लीजिए, वॉइड और इलीगल के बीच का ये जो डिफरेंस बताया गेरुलाल पारेख, वैसे पब्लिक पॉलिसी को भी डिफाइन करता है, वहां भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो बताया गया है कोलेटरल वाला, इसके लिए लिख लीजिए घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास, घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास 1959 का केस है, घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास 1959, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आई होप यू आर गेटिंग दिस। इलीगल और वॉइड अग्रीमेंट के बीच का अंतर समझ आ गया, क्यों पढ़ रहे हैं ये भी समझ आ गया, ऐसे ही नहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं जबरदस्ती ये बता के, वॉइड और इलीगल, यहां से सवाल ये कोलेटरल वाला बनता है कि इसका जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है वो वैलिड होगा या नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके वॉइड अग्रीमेंट की, अब वापस आ जाते हैं अपनी इस कहानी पे कि जो एनफोर्सिएबल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट, जो एनफोर्सिएबल नहीं होंगे वो वॉइड अग्रीमेंट, ऐसे अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल नहीं है वो क्या बन गए, आपके वॉइड अग्रीमेंट बन गए, ठीक, दैट इज क्लियर। अब इधर आइए, ये जो हम बात कर रहे थे कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब एनफोर्सिएबल होगा ये कंडीशन, अग्रीमेंट होता क्या है, प्रॉमिस होता है, अब प्रॉमिस को भी हमें पढ़ना है कि प्रॉमिस क्या होता है वो भी बताया है, स्टैट्यूट का फायदा ये है, कोडिफाइड लॉ होने का फायदा ये है कि हर बात बताई जाती है लिख के उसमें, इसका मीनिंग क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ चीजें आपको लिखी मिल जाएंगी। आगे बढ़िए, अब प्रॉमिस की डेफिनेशन देखते हैं, तो इसमें देखिए टू बी, प्रॉमिस किधर दिया है, टू बी देखिए जरा, टू बी बात करता है प्रॉमिस की, यहां लिखा है व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, एक व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, वो उस पे अपना एसेंट दे देता है, एसेंट मतलब अपनी सहमति दे देता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो कहा जाएगा कि प्रपोजल
एक्सेप्ट हो गया। आपने किसी व्यक्ति को अपना प्रपोजल सिग्निफाई किया, सिग्निफाई का मतलब कम्युनिकेट किया, आपने अपना प्रपोजल किसी को बताया, सामने वाले ने उस पर अपनी सहमति दे दी, एसेंट दे दिया, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। आप प्रपोजल देंगे, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा, दैट इज एक्सेप्टेंस। आगे लिखा है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। तो प्रॉमिस किधर से आया? प्रॉमिस आया बेटा दो चीजों से, एक प्रपोजल और उसका एक्सेप्टेंस। एक प्रपोजल और उस प्रपोजल का जैसे ही एक्सेप्टेंस हुआ वैसे ही वो क्या बन गया? प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हुआ वो बन गया प्रॉमिस। एंड एवरी प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स हाउ वी रीच कॉन्ट्रैक्ट। सारी कहानी शुरू किधर से होगी पता है इसकी आपको? सारी कहानी इस प्रपोजल से चालू होगी। तो वो जो अभी मैंने चार्ट बनाया था ना फॉर्मेशन वाला, इसीलिए वहां सबसे पहले ऑफर एक्सेप्टेंस लिखा था। ऑफर मतलब प्रपोजल, कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों टर्म में सिमिलर है। इंग्लिश लॉ में ऑफर वर्ड यूज हो रहा था, यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोडिफाई किया है तो उसको हमने प्रपोजल वर्ड यूज किया है। सुरभि का डाउट है, टेलीफोन पे दिया एसेंट, बेटा बात करेंगे ना, अभी रुको, तो चालू किया है अभी, मैंने कहा ना मैं सब बताऊंगा। कम्युनिकेशन सेपरेट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल भी है, सवाल भी आते हैं, समझेंगे समझेंगे, थोड़ा सब्र की जरूरत है बस। प्रपोजल जब एक्सेप्ट होगा बन जाएगा क्या? प्रॉमिस। अब ये जो बातें आपको मैंने बताई ना एक एक करके बेटा, इनको सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ना है। प्रपोजल पूरा अलग पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस पूरा अलग पढ़ेंगे, उससे बन जाएगा प्रॉमिस और उससे बन जाएगा अग्रीमेंट। फिर ये जो एनफोर्सिएबल होने के लिए हमने चीजें पढ़ी ना, कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट होती हैं, ये सेपरेट बात करेंगे। कंसेंट कब फ्री होता है सेपरेट बात करेंगे। ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होता क्या है और कब वो लॉफुल होता है सेपरेट बात होगी। और ये जो जिनको एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया वॉइड, इस पे सेपरेट बात होगी। इसलिए तो तीन क्लास रखी है कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि बहुत कुछ है इधर बताने और समझाने के लिए, और आपके लिए बहुत कुछ है समझने के लिए। सो ये बात यहां समझिए कि ये पूरी कहानी शुरू किधर से हो रही है आपकी? प्रपोजल से चालू होगी सारी कहानी, ठीक? प्रपोजल पहले पढ़ेंगे, प्रपोजल में बहुत सारी चीजें हैं, फिर आएंगे एक्सेप्टेंस पे। एक्सेप्टेंस पढ़ लेंगे तो फिर उनका कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, और उसके बीच में मैं बहुत सारी चीजें और लाऊंगा, फिर अपन कंसिडरेशन पढ़ेंगे, और दैट्स हाउ वी मूव ऑन टू दैट। आज के क्लास का जो मैंने टारगेट रखा है सेक्शन 9 तक रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसमें अपन कंसिडरेशन कंप्लीट करेंगे, ऑफर एक्सेप्टेंस पूरा कंप्लीट करेंगे विद कम्युनिकेशन। और समय बचेगा तो शायद उससे भी आगे बढ़ जाए, बट मैंने इतना तो मिनिमम रखा है कि आज करके जाएंगे। सब पढ़ाऊंगा इसमें कंसिडरेशन में, सारी चीजें, सेक्शन 25, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रोमिसरी स्टॉपल, सब कुछ पढ़ेंगे अपन इसमें, ठीक? तो प्रपोजल से कहानी स्टार्ट होके पहुंच जाएगी कॉन्ट्रैक्ट तक। अब बिफोर वी स्टार्ट विद प्रपोजल, प्रपोजल को हम पढ़ना स्टार्ट करें, ये प्रपोजल भी डिफाइंड है। प्रपोजल किधर है? 2A में। प्रपोजल किधर है? 2A में। देखिए प्रपोजल की डेफिनेशन बताई गई है, और एक्सेप्टेंस तो आपको यही बता दिया गया है, बी में। बी में एक्सेप्टेंस बता दिया है ना, और हाँ बी में एक्सेप्टेंस आपको बता दिया है, ठीक? प्रॉमिस तो आपका बी में आ ही गया है। सो 2A में प्रपोजल को भी बताया है। स्टार्टिंग अपनी सारी प्रपोजल से ही होगी, उसके एसेंशियल हो से ही होगी, लेकिन उसके पहले एक चीज थोड़ा सा और समझना जरूरी है यहाँ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, ठीक है भाई? इसको मैं हटा रहा हूं। अब एनफोर्सिएबल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट, जो एनफोर्सिएबल नहीं होंगे वो अग्रीमेंट। अच्छा, इसकी जरूरत मुझे एक चीज और समझाने में लगेगी। अब जरा समझिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होता है, और इन कैटेगरीज के बेसिस बहुत सारे होते हैं। मैं आपको एक ब्रीफ सबका दे देता हूं, बट यहां जो मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, वो एनफोर्सिएबिलिटी के बेसिस पे करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। देखिए बेसिस बहुत सारे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे भी क्लासिफाई होता है, मोड किस तरीके से किया गया, एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है। बोल के या लिख के कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वो एक्सप्रेस है, कन्वे
के थ्रू किया गया तो इम्प्लाइड है, वो अभी अपन ऑफर में पढ़ लेंगे। इम्प्लाइड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा वो अपन ऑफर के अंदर पढ़ेंगे। तो एक बेसिस वो भी होता है, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है एनफोर्सिएबिलिटी के ग्राउंड पे। एनफोर्सिएबिलिटी मतलब लॉ एनफोर्स कराएगा या नहीं कराएगा, उस ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट का तीन क्लासिफिकेशन है। कॉन्ट्रैक्ट तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट्स होते हैं जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। ये किधर दिए हैं? ये दिए हैं आपके, एक सेकेंड, ये दिए हैं आपके सेक्शन 2H में। किधर बताया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? 2H में। अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कैटेगरी हो गई आपकी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी जो कैटेगरी है आपकी वो होती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, या वॉइडेबल लिख लीजिए पहले, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए जरा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दिया है डेफिनेशन क्लॉज में, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में ही आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की भी डेफिनेशन मिल जाएगी। आई देखिए, सेक्शन 2I, सेक्शन 2I, 2I पढ़िए जरा। इसमें लिखा है एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, जहां वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सिएबल हो, दूसरी के ऑप्शन पे एनफोर्सिएबल ना हो, उसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? जो एक पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सिएबल हो। इसका मतलब ये है बेसिकली, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जनरली तब होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहां कंसेंट फ्री ना हो पार्टी का। जैसे मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आपके पास एक 50,000 का फोन है जिसको मैं आपको अग्री करवाता हूं, आपके साथ मैं अग्रीमेंट कर रहा हूं, आप कंसेंट दे रहे हैं कि आप अपने 50,000 के फोन को मुझे 5,000 में बेचेंगे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि मैंने आपको मारा है, मैंने आपको पीटा है, और आपसे ये अग्रीमेंट किया है कि आप अपना 50,000 का फोन मेरे को 5,000 में देंगे। तो अग्रीमेंट तो हुआ है हमारे बीच, कंसेंट भी आपका मैंने ऑप्टेन किया, लेकिन वो कंसेंट फ्री नहीं है। वो कंसेंट किससे कॉज्ड है? कोर्जन से कॉज्ड है वो कंसेंट। कोएर्शन मतलब कोई भी फिजिकल फोर्स इस्तेमाल किया है मैंने आपके अगेंस्ट, अभी डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो ये आपका जो कंसेंट है फ्री नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? एक पार्टी के पार्ट पे ही एनफोर्सिएबल है। इस कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें मैंने आपको मारपीट किया, आपका कंसेंट ऑप्टेन किया है, मैं कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा पाऊंगा। अगर आपने यह कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि आपका कंसेंट मैंने आपको पीट के ऑप्टेन किया है, तो मैं आपके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करा पाऊंगा, मैं आपको बाउंड नहीं कर पाऊंगा अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए। लेकिन आप फ्री हैं, आप चाहे बाद में, अगर मैंने पहले आपको पीट के आपका कंसेंट ऑप्टेन किया और बाद में मैं अपने ऑब्लिगेशन करने से मना कर रहा हूं कि नहीं मैं 5,000 में भी नहीं खरीदना चाहता, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे ऊपर एनफोर्स करा सकते हैं कोर्ट जाके। तो जिस पार्टी का कंसेंट कोर्जन से कॉज्ड होता है, कोर्जन से ऑप्टेन किया है या फ्री नहीं है, उस पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और एनफोर्सिएबल होता है। वो पार्टी चाहे तो एनफोर्स करा सकती है, लेकिन मैं जो दूसरी पार्टी हूं उसमें, जिसने क्वेश्चन एक्सरसाइज किया है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता। इसीलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और ये 2I में डिफाइंड है। अब एक टर्म इधर आता है तीसरा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात समझना भाई, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग हैं। बड़े बड़े ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स में मैंने ये कंफ्यूजन देखा है, उन्हें ये डिफरेंस समझ नहीं आता। मतलब बड़े आराम से वो वॉइड अग्रीमेंट की जगह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट टर्म यूज कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की जगह अग्रीमेंट टर्म यूज कर लेते हैं। वो सही नहीं है टेक्निकली। बात समझिएगा इधर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है। सो भाई देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को भी यहां पे बताया गया है, डिफाइन किया गया है जे में, सेक्शन 2J में बताया है, और वॉइड अग्रीमेंट किधर बताया है? वॉइड अग्रीमेंट किधर बताया है? 2G में। अग्रीमेंट वॉइड कब होता है? जब वो एनफोर्सिएबल ना हो लॉ से, तब वो अग्रीमेंट वॉइड है। तो क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो लॉ से एनफोर्सिएबल नहीं होते? नहीं, क्योंकि जो लॉ से एनफोर्सिएबल नहीं है वो तो प्रायर स्टेज पे ही रह गया,
एक अग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सिएबल नहीं है, अग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सिएबल नहीं है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का तो सवाल ही नहीं होगा इधर। क्यों नहीं होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो अग्रीमेंट ही वॉइड है। तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके लिए समझिएगा, 2J में लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। देखो भाई, जब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिडली लॉफुली एग्जिस्टेंस में तो आ जाता है, सारे एसेंशियल फुलफिल हुए, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी मुझे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके पास एक कार है जिसको हम दोनों ने अग्री किया है, हम दोनों ने एक एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट किया है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप अपनी कार मुझे 5 लाख में बेचेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होना है? 1 जनवरी को। मैंने कहा भाई अब ये जाता हुआ साल है, इसमें मैं ये नहीं, नई आपकी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं 1 जनवरी को लूंगा, आप अग्रीमेंट आज कर लो, कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लिया हमने कि आप मुझे अपनी गाड़ी सेल करेंगे 1 जनवरी को। अब मान लीजिए 1 जनवरी के पहले मान लीजिए कोई नया लॉ ले आए सरकार, आजकल नए नए लॉ ला रही है, कल ही आपने देखा लोकसभा ने नए क्रिमिनल लॉज का जो बिल है लोकसभा ने पास कर दिया है, अभी बाकी दूसरे हाउस में जाएगा, प्रेसिडेंट असेंट मिलेगा, सारी कहानी उस पर होनी है, लेकिन यहां पास हो गया। मान लीजिए सरकार एक नया लॉ ले आई कि 20 दिसंबर या 25 दिसंबर के बाद भारत में कोई भी व्यक्ति सेकेंड हैंड गाड़ी बेच या खरीद नहीं सकता, मान लीजिए प्रोहिबिशन आ जाए, तो अब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आज तो एनफोर्सिएबल था जिस दिन किया, अगर वो अग्रीमेंट ही एनफोर्सिएबल नहीं था राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तब तो वो वॉइड अग्रीमेंट है, लेकिन ये अग्रीमेंट आज की डेट में एनफोर्सिएबल था जब हमने किया है, लेकिन सब्सिक्वेंटली समथिंग हैपेंस व्हिच मेक्स इट अनएनफोर्सिएबल। 25 तारीख को नया एक कानून आ जाता है कि 25 तारीख के बाद अब कोई भी पुरानी गाड़ी बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, या मान लीजिए सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, आपका वो आपकी वो गाड़ी चोरी हो गई बिना आपकी गलती के, या वो डिस्ट्रॉय हो गई किसी अदर मैनर में, तो अब हम उस ऑब्लिगेशन को, अब वो एनफोर्सिएबल रहा क्या? नहीं, अब वो एनफोर्सिएबल नहीं है आपके ऊपर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन, फॉर्मेशन के समय वैलिड होता है या एनफोर्सिएबल होता है, और लेटर ऑन अनएनफोर्सिएबल हो जाता है, बाद में जाके वो एनफोर्सिएबल नहीं बचता, यही लिखा है 2J में। पहले तो एनफोर्सिएबल था बट सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स अनएनफोर्सिएबल, तो जब वो अनएनफोर्सिएबल हो जाता है तब उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड अग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड होता है, एब इनिशियो मतलब राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, माइनर के साथ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट ही वॉइड है अपने आप, लेकिन इस तरीके का अग्रीमेंट जो आज एनफोर्सिएबल है लेकिन एक सब्सिक्वेंट लॉ के आने की वजह से अब आगे हम उसको एनफोर्स नहीं कर पाएंगे, दैट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई, तो ये हो गया अपना बेसिक कहानी अबाउट अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखिए जरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, सारी कहानी चालू किधर होगी? इस प्रपोजल से चालू होगी। तो उसके लिए आ जाइए आप एक डेफिनेशन पे, और वो डेफिनेशन है आपकी प्रपोजल की जो दी हुई है सेक्शन 2A। तो सेक्शन 2A जरा फॉलो करिए डायरेक्ट में मेरे साथ, जो प्रपोजल को डिफाइन करता है, तो यही डेफिनेशन से अपन उसके एसेंशियल निकाल लेंगे। देखो डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर His willingness। अब देखिए प्रपोजल का मतलब आप अपने जनरल पार्लेंस में भी समझते हैं, और जो प्रपोजल वर्ड बोलते ही जो प्रपोजल आपके दिमाग में आया है ना उसको भी चेक कर लेना कि वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रपोजल है कि नहीं। जो प्रपोजल आपके जहन में आ गया है ना इस वर्ड को यूज करते ही मेरे, उसको भी आप इमेजिन करके देख लीजिए, इस डेफिनेशन के एसेंशियल पढ़ने के बाद उस पर अप्लाई करके देख लेना कि वो वाला प्रपोजल जो आपने सोचा है अपने जहन में वो वैलिड प्रपोजल है कि नहीं एज पर सेक्शन 2A। ठीक, तो देखिए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज सेड टू मेक अ
प्रपोजल, तो देखिए प्रपोजल के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। तो सबसे पहला जो एसेंशियल हो गया इसका, वो एसेंशियल क्या है, वन पर्सन सिग्निफाइज क्या सिग्निफाई करता है, विलिंगनेस। तो एक व्यक्ति जब अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करे, सिग्निफाई बोले तो कम्युनिकेट, कम्युनिकेट होना जरूरी है वो विलिंगनेस। सिग्निफाई का मतलब होता है कम्युनिकेट, विलिंगनेस का मतलब आप सब समझते हैं डिजायर, इच्छा आपने अपनी किसी के सामने रखी, किसी को कम्युनिकेट करेंगे आप इच्छा, एक ये एसेंशियल। किस चीज की इच्छा होगी, वो किसी एक्ट की या फिर एब्स्टिनेंस की, इच्छा किस चीज की होगी, एक्ट की या एब्स्टिनेंस, कुछ करने की या कुछ ना करने की, दोनों में प्रपोजल हो जाता है, कुछ करने की इच्छा कुछ ना करने की, दोनों वैलिड प्रपोजल है। अगर मान लीजिए एक एडटेक कंपनी मेरे सामने प्रपोजल रखती है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुडिशरी एस्पिरेंट्स को पढ़ाइए, तो उन्होंने प्रपोजल में क्या रखा, एक्ट। या मैंने मान लीजिए ये प्रपोजल दिया एक कंपनी को कि भाई मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जुडिशरी एस्पिरेंट्स को पढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने किस चीज का की विलिंगनेस सिग्निफाई करी है, एक्ट की। ऐसे ही होता है एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मतलब खुद को रोकना, कुछ करने से रोकना इज एब्स्टिनेंस, ये भी होता है। आप जानते हैं कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी अग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं एजुकेटर से कि आप कहीं और नहीं पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए मेरा अग्रीमेंट होता है एक प्लेटफॉर्म के साथ कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा, साथ में यह भी अग्री किया है मैंने कि मैं कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा, दैट इज एब्स्टिनेंस। तो दोनों तरीके की विलिंगनेस ऑफर हो सकती है या प्रपोजल हो सकती है, ठीक। तो क्या चाहिए प्रपोजल के लिए, विलिंगनेस चाहिए कुछ करने या ना करने की, और वो विलिंगनेस सिग्निफाई होनी चाहिए। इसके बाद आगे देखिए डेफिनेशन में, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, आगे लिखा है कॉमा के बाद, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर। ये जो विलिंगनेस आपने सिग्निफाई करी है, इसमें आपका क्या व्यू होना चाहिए, विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर, जिसको आप वो विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप विलिंगनेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस विलिंगनेस को कम्युनिकेट आप किस व्यू के साथ कर रहे हैं, किस व्यू के साथ आप ये विलिंगनेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस व्यू के साथ कि सामने वाला उस पर सहमति दे। सिर्फ अगर जानकारी के लिए आप किसी को कुछ बता रहे हैं, तो दैट कैन नॉट बिकम अ वैलिड प्रपोजल और ऑफर एज पर सेक्शन 2A। जैसे बॉलीवुड स्टाइल में आप किसी व्यक्ति को प्रपोजल दे रहे हैं कि मुझे आपको अपने दिल की बात बतानी है, मुझे ये नहीं जानना आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपना आपको बताना चाहता हूं अपनी बात, दैट कैन नॉट बी अ वैलिड प्रपोजल एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2A। आई होप यू गेटिंग दिस। यही वाला प्रपोजल आपके जहन में आ रहा था, अभी दिसंबर ही खत्म नहीं हुआ है, आप फरवरी में पहुंच गए हैं, है ना। ऐसा मत करिए, पहले 14 जनवरी को ध्यान में रखिए, एमपी का प्री निकालना है, वैलेंटाइन डे बाद में मना लेंगे बेटा अपन, है ना। ये जो एक चीज है कि आपका व्यू उस विलिंगनेस को सिग्निफाई करते समय क्या होना चाहिए, सामने वाले का एसेंट लेना, अगर ये व्यू एब्सेंट है तो वो वैलिड प्रपोजल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने चार दोस्तों के साथ एक गैदरिंग में बैठा हूं और ऐसे ही कैजुअली मैंने उनसे कहा कि यार मुझे ना मेरा फोन बेचना है, यार अपना मेरे को नया फोन लेना है, अपना फोन बेचना है, कोई 5,000 रुपये देगा तो बेच दूंगा। अब मेरा एक फ्रेंड उसमें से 5,000 रुपये निकाल के रख देता है, कहता लाओ दू, तुमने ऑफर दिया था हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट कैन नॉट बी अ वैलिड ऑफर, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से वो जो बात शेयर की कि यार मेरे को फोन बेचना है, मैंने भी कहा कि 5,000 तक बेच दूंगा, फोन बेचना है, ये जो मेरी विलिंगनेस है ना, ये मैंने इस व्यू के साथ नहीं करी है, उसमें ये व्यू एब्सेंट है कि मुझे सामने वाले का एसेंट चाहिए उस पर, ये व्यू एब्सेंट है, इसीलिए दैट कैन नॉट बी अ वैलिड प्रपोजल। सो वैलिड प्रपोजल कब होगा, जब आप अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहे हैं कुछ करने या ना करने की, और उसमें व्यू क्या है आपका, सामने वाले का एसेंट ऑब्टेन करना। तो एक्ट और एब्सटेनेंस मेरे ख्याल समझ गए, व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट समझ गए, इस बात को और समझ लीजिए, सिग्निफाई या कम्युनिकेट, कब मान लिया जाएगा कि सिग्निफाई हो गया है या कम्युनिकेट हो गई है आपकी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रपोजल के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर प्रपोजल सामने वाले तक पहुंचा नहीं है, भले उसने कंडीशन फुलफिल कर दी, उसने कंप्लाई कर दिया, लेकिन सामने वाले तक आपका प्रपोजल पहुंचा नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है इस पॉइंट पे, कॉन्ट्रैक्ट
कोई बता सकता है कि इसका नाम कमेंट में कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ है ऑफर का तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इस पे जरा अगर आप उस केस का नाम बता दें तो मुझे लगेगा कि हाँ आप पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे हैं। कौन सा केस है भाई, बता सकते हो किस केस का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं? देखो होता यह है, मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं। यस करेक्ट अक्षता, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त की बात कर रहा हूं। होता यह है कि एक अंकल का लड़का खो जाता है, एक अंकल है उनका लड़का खो जाता है कहीं। अब अंकल अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जा भाई तू उसको ढूंढ के ला, तेरे को पता है उसके सारे ठिकाने कि कहाँ कहाँ ये जाता है क्या करता है, तू एक काम कर जा उसको ढूंढ के ला। उन अंकल का सर्वेंट लड़के की खोज में निकल जाता है। जब वो निकल जाता है उसके बाद अंकल एक रिवॉर्ड अनाउंस करते हैं, अंकल एक रिवॉर्ड अनाउंस करते हैं कि भाई जो भी पर्सन मेरे लड़के को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए इनाम दिए जाएंगे। ठीक, अंकल ने ये अनाउंस कर दिया। अब इस सर्वेंट को तो इस रिवॉर्ड के बारे में जानकारी ही नहीं थी क्योंकि वो तो पहले ही निकल लिया था, उसको तो जानकारी नहीं थी। वो जाता है और ढूंढ के लड़के को ले आता है। जब वो लड़के को ढूंढ के ले आता है उसके बाद उसको पता चलता है कि अंकल ने ऐसा कोई रिवॉर्ड रखा था। अब वो अंकल के पास जाता है और कहता है अंकल लाओ 500 दो, आपने रिवॉर्ड रखा था। अंकल लफाड़ा मार के भगा देते हैं उसको, क्या बोल के कि भाई साहब ऑफर दिया तो था लेकिन वो वैलिड नहीं हुआ, वो एज पर टू वे वैलिड नहीं हुआ। क्यों? मैंने विलिंगनेस सिग्निफाई करी है लेकिन वो तुम तक नहीं पहुंची, मैंने विलिंगनेस बताई लेकिन उसका कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और अगर ऑफर के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने कंप्लाई कर दी है कंडीशन, तब भी ये बाइंडिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिना जानकारी के तुमने ये कर दिया, तुम्हें ये बात पता ही नहीं थी कि मैंने ऐसा कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है। इस केस का नाम क्या है लिख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 का केस है, 1913, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें बेसिकली कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि अगर आपको ऑफर के बारे में जानकारी नहीं थी और आपने उसकी कंडीशन को कंप्लाई कर दिया है तो आप एंटाइटल्ड नहीं है रिवॉर्ड के लिए, वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। एक केस और लिख लीजिए, इसमें विलियम्स वर्सेस कार्वरडाइन, मैं लिख देता हूं इसको, स्पेल शायद बहुत करेक्टली ना कर पाऊं इसलिए लिख देता हूं। क्या है ये केस का नाम? विलियम्स वर्सेस कार्वरडाइन। व्हाट इज द ईयर? 1833, 1833। बेसिकली इस केस में हुआ क्या था, एक व्यक्ति के ऊपर अवार्ड रखा गया, एक एक कन्विक्टेड पर्सन था, जैसे होता है ना पुलिस रिवॉर्ड डिक्लेयर करती है कि ये व्यक्ति को पुलिस की तलाश है, जो भी इसके बारे में जानकारी देगा उसको 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे आपने देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे फोटो चिपकी रहती है ना, कि पुलिस को इस अपराध में इस व्यक्ति की तलाश है। तो एक लेडी ने ऐसे ही एक व्यक्ति की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने बता, उसको पता था रिवॉर्ड के बारे में, उसे ऑलरेडी पता था। जब जानकारी वो देने गई उसके पहले से ही उसको पता था रिवॉर्ड के बारे में, वो जाती है पुलिस को जानकारी देती है लेकिन रिवॉर्ड लेने से मना कर देती है। वो कहती है भाई साहब ये मैंने अपने कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करने के लिए किया है, मैंने अपनी अंदर की शांति के लिए या अपने कॉन्शियंस के लिए किया कि मैं सोसाइटी की एक जिम्मेदार नागरिक हूं, इस उससे मैंने ये किया है, मुझे उस रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, आप मत दो। ठीक, लेकिन थोड़े समय बाद इन दीदी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो फिर ये अपने कॉन्शियंस को थोड़ा साइड में रखती हैं और दोबारा पुलिस के पास जाती हैं, कहती हैं साहब वो रिवॉर्ड था दे देना जरा। अब पुलिस वाले कहते हैं आंटी मजाक कर रही हैं आप तो, ये पहले आपने मना कर दिया
यहां ये जो सूट फाइल, उसके बाद ये जो केस हुआ था, इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया दैट शी इज इंटाइटल्ड फॉर द रिवॉर्ड, क्योंकि जब उसने कंडीशन कंप्लाई करी थी तब उसको रिवॉर्ड के बारे में जानकारी थी, भले ही उसने वो कंडीशन कंप्लाई करने के बाद उस समय रिवॉर्ड लेने से मना किया, लेकिन इससे उसका एंटाइटलमेंट खत्म नहीं होगा, शी इज स्टिल एंटाइटल्ड फॉर द रिवॉर्ड, क्योंकि भैया सिग्निफाई तो हुआ है, कम्युनिकेशन तो पूरा था, उसके बाद उसने वो ढूंढ के लाई है या उसकी जानकारी दी है व्यक्ति की, तो शी इज एंटाइटल्ड। तो बाद में उसको अलाउ किया गया उस रिवॉर्ड के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो वो कम्युनिकेशन होता है ना, कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, मैं ऐसी कोई बात आपसे इसलिए नहीं करता हूं, क्योंकि क्या पता बाद में ये कॉन्शियंस चेंज हो जाए। इसलिए मैंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट पहले ही बता दिया आप, कि मैं अपने मतलब के लिए इधर आया हूं, ताकि आपको पता चले कि लॉ कैसा पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, और हम वो पढ़ाते हैं, ये बात आप स्प्रेड करें, दैट्स माय इंटरेस्ट। इसीलिए मैं कहता हूं, देखा आपने आंटी को, पहले आंटी हीरोइन बन रही थी कि अरे भैया वो तो हम तो अपने लिए कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है रिवॉर्ड की, बाद में रिवॉर्ड मांगने पहुंच गए। इसलिए ऐसा करो ही मत, इसलिए अपन पहले ही फीस बता देते हैं कोर्स की, ये फीस है भैया देना पड़ेगा। आप भी जज क्यों बनने जा रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड चाहिए आपको सैलरी, आप भी इंटरेस्ट में, ऐसा नहीं है कि आप जनसेवा के लिए सिर्फ जज बनने जा रहे हैं। हाँ दैट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट, वो इंटरव्यू के लिए बचा के रखो, इंटरव्यू में जब जाओगे पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू बी अ जज, वहां बताती हैं दीदी आई वॉन्ट टू सर्व दिस सोसाइटी एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू दिस सोसाइटी। वो सब तो ठीक है दीदी, परमानेंट सैलरी चाहिए, ये भी एक सत्य है, इसको मान लीजिए, क्यों नहीं मानना है भाई साहब। आज के दौर में अगर आप पैसा लेके भी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आप ईमानदार व्यक्ति हैं। आप फीस ले रहे हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो भी आप एक ईमानदार व्यक्ति ही हैं, आप बेईमान नहीं हुए। इसीलिए ये जो फालतू का एक वो ओढ़े हैं ना हम, कि हम तो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, मत करिए, आप अपना इंटरेस्ट भी रखिए तो कंसिस्टेंसी भी रहेगी हमेशा के लिए, और इतना सेल्फ इंटरेस्ट सबका है यार, तुम जो यहाँ पढ़ने आए हो ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तुम्हें कोई लगाव नहीं है इस स्टैट्यूट से कि हमको जानकारी के लिए तुम्हें फ्री के नंबर पकाने हैं अपने 8 और मेंस निकालना है, तुम इसलिए आए हो बेटा इधर 12 बजे से, है ना, ये सही बात है। चलिए तो इनकी तरह मत बनिए, याद रहेगा अभी ये दीदी, याद रहेंगी ना विलियम और ये। हाँ सो दैट इज अबाउट प्रपोजल की डेफिनेशन और उसके एसेंशियल, ये भैया क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, 2A की डेफिनेशन समझ आ गई है सबको, एक बार यस लिख के बता दो कि आ गई है। पर्सन सिग्निफाई करेगा, लालमन शुक्ला में डिक्लेयर किया था, कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो नहीं माना जाएगा। एक्ट एब्स्टिनेंस समझ गए, व्यू समझ गए, दैट्स प्रपोजल। अब लेकिन डेफिनेशन से सिर्फ काम नहीं बनता प्रपोजल में, इससे रिलेटेड कई एस्पेक्ट हैं प्रपोजल से रिलेटेड जो हमें यहां पे डिस्कस करने हैं, कई सारे और क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे और सवाल पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, उन चीजों को भी हमें थोड़ा डिस्कस करना है। तो चलिए अब इस ऑफर को या इस प्रपोजल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके प्री मेंस दोनों के। सो अब ऑफर टॉपिक में हमको कुछ और चीजें पढ़नी है, अभी तो बेरेट की डेफिनेशन को ही हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इधर पे आ जाता है, वो आ जाता है आपका ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, या फिर इनविटेशन टू ट्रीट, क्या कहते हैं इसे, ऑफर तो है ही, इसके अलावा क्या कहते हैं, इनविटेशन, इनविटेशन टू ऑफर, या फिर इसको कहा जाता है इनविटेशन टू ट्रीट। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर से अलग होता है, ऑफर की प्रायर स्टेज होती है, पहले इनविटेशन टू ऑफर होगा फिर ऑफर, जरूरी नहीं है कि हर जगह हो, बट कई जगह ऐसा होता है, लेकिन ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि
कि कब एक चीज ऑफर है और कब वो इनविटेशन टू ऑफर है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, इसका सबसे बेसिक डिस्टिंक्शन पता है, ऑफर की डेफिनेशन से ही निकाल सकते हैं आप। ऑफर की डेफिनेशन में लिखा था, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, जब एक व्यक्ति अपनी विलिंगनेस दूसरे को बताता है कुछ करने या ना करने की, उसको हम प्रपोजल कहते हैं। ध्यान रखना, ये विलिंगनेस जब फाइनल होती है, फाइनल मतलब देयर इज नो स्कोप ऑफ फर्दर नेगोसिएशन, ये विलिंगनेस जब फाइनल होती है एंड देयर इज नो स्कोप, नो चॉइस और नो नेगोसिएशन, इस तरीके की जब विलिंगनेस होती है उसको हम कहते हैं ऑफर। और अगर इसमें फर्दर नेगोसिएशन का या चॉइस करने का ऑप्शन अभी है, तब तक वो विलिंगनेस क्या है, वो विलिंगनेस कहलाती है इनविटेशन टू ऑफर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनविटेशन टू ऑफर के कई एग्जाम्पल्स आपने सुन रखे होंगे पहले भी, उनको तो मैं दोहराऊंगा ही, लेकिन कुछ नई चीजें भी इसमें हमको समझनी है। इनविटेशन टू ऑफर में जैसे टेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ऑक्शन से रिलेटेड सवाल बनता है, उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपन समझेंगे। देखिए, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, आप एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, आपके सामने एक मेन्यू कार्ड लाके रखा जाता है, उस मेन्यू कार्ड में अलग अलग डिश लिस्टेड है और उनकी प्राइस लिखी हुई है। इज इट एन ऑफर, इज अ मेन्यू कार्ड ऑफर, द आंसर इज नो। रेस्टोरेंट की वो फाइनल विलिंगनेस नहीं है आपको चीज देने की, सिर्फ एक इंडिकेशन है कि साहब इनमें से आप चूज कर लीजिए, हमारे पास होगा तो हम ला देंगे और उसकी रिस्पेक्टिव प्राइस ये होगी। सो जो मेन्यू कार्ड रेस्टोरेंट में आपको दिया जाता है, दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। मेन्यू कार्ड आपको मिलता है, आप उसमें से एक डिश सेलेक्ट करते हैं कि भाई साहब इसमें से चिकन बिरयानी ले आइए, और चिकन बिरयानी के सामने प्राइस लिखी हुई है लेट्स से 500 रुपीज। कम हो तो नहीं हो गई, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, आई एम वेजिटेरियन। चिकन बिरयानी आजकल नया, एक अभी कुछ देख रहा था मैं कि बिरयानी में से चिकन गायब है, तो हाईकोर्ट पहुंच गया आदमी। ये सब भी चल रहा है दुनिया में आजकल, है ना? और आप बड़े लगाव से ये सब चीजें देखते हैं, मैंने देखा। आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर सुनने में, तो आपको चिकन बिरयानी में इंटरेस्ट है भयानक। सो मान लीजिए एक मेन्यू में लिखा हुआ है चिकन बिरयानी, सामने प्राइस लिखी हुई है 500 रुपए। अब ऐसी लिस्ट है, बहुत सारी डिशेस हैं उसमें, आपने एक पिक करी और आपने वेटर को बोला भाई चिकन बिरयानी ले आना, अब हो सकता है वो मना कर दे, वो बाउंड नहीं हुआ अभी। अगर वो मेन्यू कार्ड ऑफर होता तो आपने जो ऑर्डर किया वो एक्सेप्टेंस हो जाता एंड एक बाइंडिंग अग्रीमेंट फोर्स में आ जाता, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेन्यू जो है वो सिर्फ एक इनविटेशन है, और आप रेस्टोरेंट को ऑफर कर रहे हैं कि भाई साहब आप हमें ये डिश लाके दीजिए, हम आपने जो प्राइस लिखी है सामने वो पे करेंगे, ये ऑफर है। नाउ इट इज अप टू द रेस्टोरेंट टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट। तो जब आप वेटर से कहते हैं कि भाई ये ले आना, वो बोलेगा भैया नहीं है। जैसे आप नॉर्मली जो थोड़े जनरल से कैफे रहते हैं, वो लिख तो सब देते हैं, होता उनके पास सिर्फ चाय है और मैगी है, लेकिन लिखी उनने 17 डिश है, उस पे जाके आप बैठे, आपने मेन्यू में कहा भाई ये ले आना, वो कहेगा भैया नहीं है अभी, ये कहना आज बना नहीं, ये कहना इसका मटेरियल नहीं है, तो भैया तू ही बता दे क्या है तेरे पास, ये क्यों छब्बा रखा तूने, सीधे बता दे और वही ले आ। तो वो जो मेन्यू कार्ड बेसिकली होता है वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, ठीक? आप उसमें से जब एक डिश पिक करके ऑर्डर करते हैं, दैट बिकम्स एन ऑफर, एंड इफ द रेस्टोरेंट एक्सेप्ट इट, इट बिकम्स एक्सेप्टेंस, एंड नाउ इट बिकम्स अ प्रॉमिस, एंड इफ दिस प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट, एंड इफ दिस अग्रीमेंट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रेम्ड। तो इन्विटेशन एक प्रायर स्टेज होती है इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे आपको कोई किताबें खरीदनी है, आपने एक कैटलॉग मंगवाया, उसके बाद आप ऑर्डर देते हैं, जब आप ऑर्डर देते हैं वो ऑफर होता है। आप एक शोरूम में गए जहां बहुत सारे कपड़े हैं फॉर सेल और प्राइस टैग लगा हुआ है, या आप एक सुपरमार्केट में गए जहां ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है, प्राइस टैग लिखा हुआ, ये सब इन्विटेशन टू ऑफर है। ग्रोसरी शॉप में या सेल्फ सर्विस की शॉप में जब आप जाते हैं और वहां जो डिस्प्ले में गुड्स रखे होते हैं और उन पे प्राइस टैग होता है, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। आप जब अपनी ट्रॉली में अपना जरूरत का सामान लेके कैश काउंटर पे जब जाते हैं, दैट्स एन ऑफर।
इस बात को समझना, इनविटेशन टू ऑफर क्या है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, वो सब इनविटेशन टू ऑफर है। जब आप अपनी ट्रॉली कैश काउंटर पे ले जाके उस व्यक्ति को कहते हैं भैया बिल बना दो, ये खरीदना है, दैट्स एन ऑफर। अब वो रिजेक्ट भी कर सकता है। कई बार होता है ना, आप काउंटर पे गए और उसका बार कोड नहीं चल रहा, वो बोलता है भैया ये मत लो, ये हटा दो। वो मना नहीं कर सकता था अगर बाइंडिंग हो जाता तो, अभी बाइंडिंग नहीं हुआ है क्योंकि वो आपने ऑफर किया है कि हम ये खरीदना चाहते हैं, द पर्सन इज टू एक्सेप्ट इट। ठीक, ऐसे ही आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स, Amazon या Flipkart या किसी भी XYZ वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कैटेगरी वाइज गुड्स डिस्प्लेड है और उनकी प्राइस लिखी है। जब आप अपना पिन कोड डालते हैं और ऑर्डर पे क्लिक करते हैं या पिन कोड डालते हैं जब आप, तो वो दे देता है नॉट डिलीवरेबल एट योर एड्रेस। उस समय बड़ा ही जिल्लत फील होती है ना कि पता नहीं कैसे गाँव में रह रहे हैं हम कि यहाँ डिलीवर, भोपाल में भी कई बार ऐसा आ जाता है नॉट डिलीवरेबल एट दिस एड्रेस। उस दिन मुझे एहसास होता है कि क्यों ही मैं रह रहा हूं इस गांव में, भोपाल भी गांव है, मुझे ऐसा एहसास होता है जब वो मैसेज देखने को मिलता है नॉट डिलीवरेबल। दो उसके अगर रीजंस अलग अलग होते हैं, कई बार गुड्स होते नहीं है नियर बाय वेयर हाउस में, तो ये हो जाता है। अगर आपने उसमें देखा लिस्ट है, आपने ऑर्डर पे क्लिक किया, पता चला मैसेज आ रहा आउट ऑफ स्टॉक, अगर वो ऑफर नहीं, अगर मान लीजिए वो जो गुड्स डिस्प्लेड थे अगर वो ऑफर होते ना तो वेबसाइट आपसे मना नहीं कर सकती थी फिर। लेकिन वो सिर्फ क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। और जब आप उसमें ऑर्डर करते हैं गुड्स, जैसे ही आप अपनी कार्ट में ऐड करके ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं, तब आप एक ऑफर देते हैं उस मर्चेंट को कि वो आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। नाउ इट इज अप टू द मर्चेंट वेदर दे वांट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। अगर ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया मतलब एक्सेप्टेंस हो गया, अगर वो मैसेज नहीं आया इसका मतलब सक्सेसफुल एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, एंड इट डजेंट बिकम अ प्रॉमिस। आई होप यू गेटिंग दिस। तो ये जो इनविटेशन टू ऑफर है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कमर्शियल ट्रांजैक्शन में हमेशा ये स्कोप होना चाहिए एक नेगोशिएशन का, इसीलिए ये प्रायर स्टेज मानी जाती है और इसको इनविटेशन टू ऑफर कहा जाता है, इसे हम ऑफर नहीं कहते। ठीक, अब एक चीज यहां पे और ध्यान रखिएगा इस इनविटेशन टू ऑफर के साथ, यहां दो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक आपका होता है ऑक्शन और दूसरा होता है टेंडर। टेंडर समझते हैं ना, जो सरकारी जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को कुछ काम कराना होता है तो वो जनरली क्या करते हैं, टेंडर बुलवाते हैं। टेंडर मतलब प्राइस कोट कराई जाती है मल्टीपल वेंडर्स से कि भाई कौन कितने में दे रहा है। वो चीज जो सबसे सस्ते में दे रहा होता है उसको क्या करते हैं, अपन ऑर्डर दे देते हैं, उसको मिल जाता है ऑर्डर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस टेंडर में भी ये तीनों स्टेजेस होती हैं, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा कि एक तो ऑक्शन और दूसरा, थोड़ा क्लियरली ही लिख दूं मैं, टेंडर। इसमें कौन सी स्टेज इनविटेशन होती है, कौन सा ऑफर और कौन सा एक्सेप्टेंस, इसको थोड़ा समझिएगा। कई बार ना इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल आ जाते हैं। पहले डील करते हैं ऑक्शन को। जैसे मान लीजिए एक ऑक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट मैंने डाला, पहले क्या होगा, ऑक्शन अगर मुझे करना है, ऑक्शन समझते हैं ना, बोली लगवाई जाती है जो, तो अगर मान लीजिए मुझे एक ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट करना है, तो ऑक्शन अगर मुझे कराना है तो पहले मैं एडवर्टाइज करके लोगों को बुलाऊंगा कि भाई मैं ऑक्शन, मान लीजिए मेरे पास एक एंटीक कार है जिसका ऑक्शन मुझे कंडक्ट करना है, तो मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड दे दिया कि भाई मैं एक ऑक्शन कर रहा हूं अपनी कार का, जो जो इंटरेस्टेड लोग हैं जो उसमें बिडिंग करना चाहते हैं, जो बोली लगा के उसे खरीदना चाहते हैं, वो इस दिन इस समय इस जगह पे आ जाएं। ठीक, तो ये करने के लिए मैंने एक जो एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में, जरा आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या ये ऑफर है, मैंने ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया क्या ये एडवर्टाइजमेंट ऑफर है, यस और नो, जल्दी बताओ भाई क्या ये ऑफर है जो मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए किया है ऑक्शन की। तो दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। जो मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया ये मेयरली क्या है, दिस इज मेयरली एन इनविटेशन टू ऑफर। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनविटेशन है ऑक्शन का, इसीलिए ये इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। अब मान लीजिए ऑक्शन कंडक्ट होता है जिस दिन, जो समय तय हुआ उस दिन बहुत सारे खरीदार आए, वो खरीदार जब अपनी बिडिंग लगाएंगे, जब वो अपने प्राइस बोलेंगे, दैट इज एन ऑफर। सामने कार खड़ी है,
हर आदमी अपनी बिडिंग लगा रहा है, वो जो बिडिंग है दैट्स एन ऑफर एंड नाउ इट इज अप टू मी वेदर आई विश टू एक्सेप्ट इट और नॉट। एक बात ध्यान रखना, ऑक्शन में हाईएस्ट बिडिंग भी मानने के लिए ऑक्शनियर बाउंड नहीं होता। मान लीजिए मेरी जो एंटीक कार है, मुझे लगता है उसकी प्राइस होनी चाहिए 50 लाख रुपए, लेकिन जितने भी लोगों ने बिडिंग लगाई उसमें किसी ने 50 लाख की बिडिंग लगाई नहीं, जो हाईएस्ट बिडिंग थी वो 35 लाख थी। क्या मैं बाउंड हूं हाईएस्ट बिडिंग वाले को करार देने के लिए? द आंसर इज नो, क्योंकि बिडिंग इज जस्ट एन ऑफर। जो मैंने लोगों को एडवर्टाइजमेंट करके ऑक्शन के लिए बुलाया, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। लोग आए, उन्होंने जो बिडिंग लगाई, दैट्स ऑफर। उस बिडिंग में अगर मैं अग्री करता हूं हाईएस्ट वाले से, तो नॉर्मली ये ऑक्शन का कस्टम होता है कि वो 3 बार हैमर गिराया जाता है, 3 बार हैमर बजाया जाता है, दैट द ऑफर द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड। तो वो जो हैमर का फॉल है दैट इज एक्सेप्टेंस। अगर हाईएस्ट बिड से मैं सेटिस्फाइड हूं तभी मैं वो हैमर वाला एक्ट करूंगा एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस एंड नाउ देयर कम्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू। अब इससे रिलेटेड भी एक केस है जिसमें एक बंदा ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट करता है, लोग आने के लिए तैयार हो जाते हैं, इनफैक्ट जो डिफेंडेंट होता है वो आ जाता है उस प्लेस पे, लेकिन आके पता चलता है कि आज ऑक्शन कैंसिल हो गया। अब ऑक्शन कैंसिल हो गया तो वो व्यक्ति प्लेंटिफ से, जो ऑक्शनियर था उससे डैमेज क्लेम करता है। कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अभी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप आपका नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि जो ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट था दैट इज मेयरली एन इनविटेशन टू ऑफर, वो कोई ऑफर नहीं था, इसलिए वो बाउंड नहीं है आपको कॉम्पनसेट करने के लिए। केस का नाम लिख लीजिए, हैरिस वर्सेस निकर्सन। केस का नाम लिख लीजिए, हैरिस वर्सेस निकर्सन। हैरिस वर्सेस निकर्सन। इसमें यह हुआ था कि ऑक्शन के लिए एडवर्टाइज किया, ऑक्शन के लिए बंदा आ भी गया, लेकिन ऑक्शन उस दिन कैंसिल हो गया। 1873 का केस है हैरिस वर्सेस निकर्सन। आई होप दिस इज क्लियर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तो ये है आपका ऑक्शन, ऐसे ही टेंडर में भी होता है। टेंडर का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। टेंडर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक बिल्डिंग बनवानी है, तो वो क्या करेंगे, सारे जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनसे टेंडर इनवाइट करेंगे। एक एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहेगा भैया ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, जो इंटरेस्टेड लोग हो अपना टेंडर फाइल करें इस दिन तक। अब टेंडर में लोग क्या करेंगे, अपनी प्राइस कोट करेंगे कि भाई साहब ये जो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है ये हम इतने में फुलफिल कर देंगे। एक मान लीजिए एक वेंडर कहता है 50 लाख में बना देंगे, दूसरा कहता है 60 में बना देंगे, कोई कहता है 40, सब अपना अपना टेंडर फाइल करेंगे। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था टेंडर बुलाने के लिए, दैट एडवर्टाइजमेंट इज इनविटेशन टू ऑफर। और जैसे ही लोगों ने टेंडर फाइल किया, जो अपनी अपनी प्राइस लोगों ने कोट करी, दैट इज एन ऑफर एंड नाउ इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट वन ऑफ देम। और जनरल रूल उसका क्या होता है टेंडर का, कि जो मिनिमम ऑफर कर रहा है उसके नाम का टेंडर ओपन होता है, उसको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके ऑफर को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है जनरली। सो दैट्स हाउ टेंडर ऑपरेट्स। ये बात आप समझ लीजिए। यही एक बात और समझ लीजिए टेंडर से रिलेटेड है, इसलिए यही कोरिलेट करके मैं आपको बता दूं। टेंडर का एडवर्टाइजमेंट इन्विटेशन टू ऑफर, टेंडर में जो लोगों ने अपनी अपनी प्राइस कोट करी दैट इज ऑफर, जो लोएस्ट प्राइस पे बनाएगा उसका एक्सेप्ट किया जाएगा दैट इज एक्सेप्टेंस। टेंडर एक्सेप्ट होने के बाद कई बार क्या होता है, ऐसे टेंडर होते हैं जिसमें कंटिन्यूइंग ऑफर, एक होता है ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर या स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर, ये टर्म भी आप ध्यान रखिएगा। एक होता है स्टैंडिंग ऑफर या फिर इसको कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर भी बोलते हैं। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। स्टैंडिंग ऑफर बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक वेंडर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मुझे ना अपने इंस्टीट्यूट के लिए पैम्पलेट्स प्रिंट कराने हैं, होते हैं, तो मैंने एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगले 1 साल, मैंने एक बंदे ने मुझे ऑफर दिया, एक एक प्रिंटिंग वाले ने मुझे ऑफर दिया कि अगले 1 साल के लिए इस डायमेंशन के जितने भी आप ब्रोशर्स प्रिंट कराएंगे उसका रेट मैं आपको ये दूंगा। मान लीजिए उसने कहा 50 रुपए का एक ब्रोशर मैं आपको दूंगा, तो ये जो पूरा उसने मुझे ऑफर दिया है कि अगले 1 साल
1 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 तक के लिए उसने मुझे ये कहा है कि आपको जो भी इस साइज के ब्रोशर प्रिंट कराने हैं आप मुझसे कराइए, एंड आई गिव यू 50 रुप, आई चार्ज यू 50 रुपीज फॉर वन। दैट इज एन स्टैंडिंग ऑफर, दैट इज एन स्टैंडिंग ऑफर। अब हो सकता है जनवरी में मैं उससे 100 प्रिंट कराऊं, फरवरी में कुछ ना करूं, मार्च में मैं उससे 200 प्रिंट करा लूं, जून में मैं 500 करा लूं, सितंबर में मैं 20 करा लूं। तो उसने क्या किया, एक स्टैंडिंग ऑफर दे दिया मुझे कि दिस विल बी दी प्राइस। अब जब मैं ऑर्डर करूंगा कि भैया इसमें ने मेरे को इतने करके दे दे, दैट इज एक्सेप्टेंस, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टैंडिंग ऑफर। अब वो बाउंड है मुझे देने के लिए, क्योंकि उसने ऑफर मुझे क्या दिया था कि पूरे साल 2024 में आपको जितने भी ब्रोशर प्रिंट कराने हैं आप मुझसे कराइए, मैं 50 रुपए के रेट में आपको दूंगा। दैट वॉज हिज ऑफर, दैट्स कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर, जो कंटिन्यूइंग होता है अगले 1 साल के लिए। अब जब जब मैं उसमें ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं कि भैया इसमें ने मेरे को 50 छाप के दे दे, इसमें ने मेरे को 100 दे दे, दैट इज एन एक्सेप्टेंस। ये होता है आपका स्टैंडिंग ऑफर। तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा ऑफर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमको थोड़ा ध्यान रखना है, और इस इनविटेशन टू ऑफर में कुछ और केसेस हैं जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे हार्वे वर्सेस फेसी, ये एक केस है काफी इंपॉर्टेंट है इनविटेशन टू ऑफर को लेके, ठीक। तो इसको जरा समझ लीजिए, केस में यह है 1893 का केस, 1893 का केस, एंड इट इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज बम्पर हॉल पेन केस। किस नाम से जाना जाता है, बम्पर हॉल पेन, PEN पेन, बम्पर हॉल पेन। इसमें होता क्या है, एक लैंड होता है, एक पीस ऑफ लैंड होता है जिसका नाम होता है बम्पर हॉल पेन, उस लैंड पीस ऑफ लैंड का नाम था बम्पर हॉल पेन। अब इसमें होता यह है कि एक पर्सन जो ओनर है उसको एक टेलीग्राम लिखता है, जैसे मान लीजिए ये बम्पर हॉल पेन है एंड दिस बिलोंग्स टू बी, बी को ये लैंड बिलोंग करता है, यहां से ए जो है ये एक टेलीग्राम करता है किसको, बी को, बी को इन्फॉर्म करता है कि भाई क्या आप इस लैंड को सेल करोगे। उसने क्या लिखा अपने टेलीग्राम में कि क्या आप इस लैंड को सेल करोगे, और अगर सेल करोगे तो व्हाट विल बी दी लोएस्ट प्राइस, उसकी सबसे कम प्राइस क्या होगी, क्या आप इसको सेल करोगे और अगर सेल करोगे तो लोएस्ट प्राइस क्या होगी, ये इसने टेलीग्राम किया। बदले में बी ने रिप्लाई किया, बदले में बी ने रिप्लाई किया कि द लोएस्ट प्राइस फॉर दिस लैंड विल बी एक्स अमाउंट, कोई भी एक अमाउंट मान लेते हैं, पर 5 लाख रुपए पर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसने कोट किया कि जो लोएस्ट प्राइस, इसने क्या कोट किया, जो लोएस्ट प्राइस होगी वो 5 लाख रुपए होगी। ए ने फिर एक टेलीग्राम कर दिया और इसने बोला यस आई एक्सेप्ट 5 लाख रुपीज, 5 लाख में आप मुझे दे दो, आई एक्सेप्ट योर ऑफर और मैं रेडी हूं 5 लाख देने के लिए। बाद में भी मना कर देता है, कहता भैया आपने लोएस्ट प्राइस मांगी थी, हमने वो बताई, हमने ये थोड़ी बोला खरीद लेंगे। तो अब जब सूट कोर्ट में पहुंचता है मैटर, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो पहले वाला टेलीग्राम था ना कि क्या आप बेचेंगे और लोएस्ट प्राइस क्या होगी, दैट वाज नॉट एन ऑफर, दैट वाज नॉट एन ऑफर जिसको इसने एक्सेप्ट कर लिया। जो बी ने लिख के भेजा कि लोएस्ट प्राइस इसकी 5 लाख होगी, वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, उसने सिर्फ ये बताया है कि इसकी जो लोएस्ट प्राइस होगी वो 5 लाख है। और फिर जो इसने दिया कि ठीक है हम 5 लाख में खरीदने को तैयार है, दैट्स बेसिकली एन ऑफर। जब इसने कहा कि मैं 5 लाख रुपए में वो पीस ऑफ लैंड खरीदने को तैयार हूं, दैट्स एन ऑफर, एंड नाउ इट इज अप टू बी वेदर ही विशेस टू सेल इट और नॉट। ये जो तीसरा कम्युनिकेशन था दैट वाज ऑफर, उसके पहले जो था दैट वाज ऑल इनविटेशन टू ऑफर, दैट वाज नॉट ऑफर, और इसीलिए ये जो ऑब्लिगेशन है बाइंडिंग नहीं हुआ। ये दैट वाज द केस एंड इट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इनविटेशन टू ऑफर। आई होप दैट इज क्लियर। इसके बाद आ जाइए, ये एक चीज हो गई। इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है ऑफर के अंदर ही, और वो है आपका इंप्लाइड और एक्सप्रेस। ब्रीफ में समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस ये समझना है कि वैलिड ऑफर होना चाहिए, वो
वो चाहे इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस हो, इससे बहुत मतलब या फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो ऑफर है, एक्सप्रेस कब होता है ये? तो एक्सप्रेस भाई ये तब होता है जब वर्ड्स में हो, रिटन हो, जब वर्ड्स में किया जाए। कैसे वर्ड्स? या तो ओरल या रिटन, दोनों तरीके से। लिख के या बोल के जब किया जाएगा वर्ड्स में, तो वो एक्सप्रेस होगा। दूसरा होता है आपका इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कैसे होता है? आपके कंडक्ट से होता है। इम्प्लाइड जो होता है वो कंडक्ट के थ्रू होता है। जैसे आपने वो एग्जाम्पल बड़ा ही कॉमन इसमें चलता, आपने सुना होगा कि आप ट्रेन से उतरे, आपने सामान जैसे ही प्लेटफॉर्म पे रखा, एक कुली आया, लाल कपड़े पहन रखे, उसने बैच वैच लगा रखा, वो आया, उसने आपका सामान उठाया, उठा के चलने लगा, आपने उसको रोका नहीं, बाहर ले जाके वो आपका टैक्सी में सामान रख देता है, और उसके बाद आपसे कहता है, भाई साहब ये चार्जेस मेरे हुए हैं। अब आप क्या उससे ये बोल सकते हैं कि हमने बोला था कि तेरे को सामान उठाने को? हमने तो बोला ही नहीं था। ये आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो उसने एक ऑफर दिया था अपने कंडक्ट से, वो कुली दिख रहा था आपको, उसने जब आपका सामान उठाया, दैट वॉज एन ऑफर फ्रॉम हिज साइड। उसके कंडक्ट से ऑफर था कि भाई मैं आपका सामान बाहर तक पहुंचा रहा हूं, और जो भी मेरे चार्जेस होंगे वो आपको पे करने हैं। आपने इम्प्लाइडली उसको एक्सेप्ट किया, आपने उसको रोका नहीं। इसका मतलब आपने क्या किया? आपने इम्प्लाइडली उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों इम्प्लाइड हो सकता है, और यही होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। यहां से क्या बनते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये भी आता है कि ऑक्शन की जो बिडिंग होती है वो इम्प्लाइड है या एक्सप्रेस है। थोड़ा सा डिबेटेबल रहता है ये टॉपिक, बट एज पर माई ओपिनियन जो बिडिंग है वो इम्प्लाइड ऑफर है। दो आप उसमें प्राइस बोलते हैं या आप शो करते हैं, कई बार कार्डबोर्ड से शो करते हो आप, 50,000, 20,000, 100, जो भी, वो तो इम्प्लाइड है ही, आप समझ रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि क्योंकि आपने ना कोई टर्म डिस्कस नहीं की है, वो सब इम्प्लाइड होता है कि जिसकी हाईएस्ट बिड होगी उसको मिलेगा, ये सब ऑलरेडी इम्प्लाइड होता है। यहाँ पे आपने सिर्फ प्राइस बोली इसलिए वो एक्सप्रेस हो जाए, ऐसा जनरली नहीं होता। इसलिए ऑक्शन में जो बिडिंग होती है उसको इन जनरल इम्प्लाइड ही माना जाता है। दो इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो इम्प्लाइड है कि एक्सप्रेस है। ऑफर वैलिड होना चाहिए, वो इन्विटेशन टू ऑफर तो नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इसके बाद एक चीज और होती है ऑफर में ही, ऑफर का ही एक और क्लासिफिकेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक और जनरल ऑफर दो तरीके के होते हैं। जनरल, सो भाई स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होते हैं? जो एक असर्टेन्ड पर्सन को दिए जाएं। किस पर्सन को? असर्टेन्ड। असर्टेड मतलब आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड एक सिंगल बंदे को। मैंने आप में से किसी एक को ये ऑफर दिया कि भाई मैं आपको अपना मोबाइल फोन 10,000 में बेचना चाहता हूं, दैट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाए, जो जनता जनार्दन को इकट्ठे दिया जाए, कि मान लीजिए एक क्लास में जिसमें 20 बच्चे बैठे हैं, वहां मैं कह रहा हूं भैया जिसको भी फोन खरीदना है 10,000 में बेच रहा हूं, ले सकते हो आप, दैट इज अ जनरल ऑफर, क्योंकि इट इज एड्रेस टू द पब्लिक एट लार्ज। जब एक असर्टेन्ड स्पेसिफिक व्यक्ति को जब मैं देता हूं, देन इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। अब इस जनरल ऑफर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमको समझना है, इधर से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जनरल ऑफर में ना एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है, आप एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करें यह जरूरी नहीं है। अगर आपने कोई कंडीशन फुलफिल कर दी है, अगर ऑफर में कोई कंडीशन और आपने फुलफिल कर दी है, तो भी उसका एक्सेप्टेंस हो जाता है। जैसे लालमन शुक्ला वाला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मेरा फोन खो गया, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, भैया ये फोन है, इस जगह से गायब हुआ है, और कोई भी व्यक्ति जो इस फोन को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 2,000 रुपए रिवॉर्ड दूंगा। मैंने ये एक एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में कि मेरा ये फोन इस जगह से इस दिन खो गया है, जो ढूंढ के लाएगा 2,000 रुपए का रिवॉर्ड में उसको दूंगा। अब
ये जनरल ऑफर है, कोई भी व्यक्ति इसको कंप्लाई कर सकता है, कोई भी इसे ढूंढ के मुझे ला सकता है। अब वो जब ढूंढ के मेरे पास ले आएगा तो मैं उससे ये नहीं बोल सकता कि भैया तेरे साथ तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा जो ऑफर है जनरल है, और जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई अब तो सबने एक्सेप्ट कर लिया, हम ढूंढ के लाएंगे, तो हर व्यक्ति मेरे को फोन करके ये नहीं बताएगा कि हमने सर आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, हम ढूंढ के लाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। आप फोन ढूंढ के ले आइए, जो कंडीशन है जनरल ऑफर में आप वो कंप्लाई कर दीजिए, एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। हाँ, लेकिन ऑफर की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो लालमन शुक्ला में हुआ था, कि सर्वेंट को जानकारी ही नहीं थी और वो ऐसे ही ढूंढ लाया। ठीक, तो जानकारी होते हुए अगर आप ढूंढ के लाए हैं तो आप बिल्कुल एंटाइटल्ड हैं उस रिवॉर्ड के लिए। और इससे रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है जो यहाँ आता है आपका इस जनरल ऑफर से रिलेटेड। आप में से कोई नाम बता सकता है उस इम्पोर्टेंट केस का मुझे? कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जनरल ऑफर के इसी कॉन्सेप्ट को समझाता है कि जनरल ऑफर के केस में कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। इस केस में होता यह है, एक कंपनी होती है जो अपनी एक स्मोक बॉल बनाती है, जिस और उनका यह दावा होता है कि जो इस स्मोक बॉल को यूज करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ठीक, जो इस स्मोक बॉल को यूज करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अपनी सीरियसनेस दर्शाने के लिए उन्होंने बैंक में एक अमाउंट भी डिपॉजिट करा दिया था, प्राइज मनी रखी थी, अगर उसके बाद भी किसी को हो गया तो हम आपको ये पैसे देंगे, और वो बैंक में जमा भी करा दी, जिससे लीगल इंटेंशन भी दिख गया। तो भाई अब उन्होंने जब ये ऑफर दिया जनरल ऑफर, तो यहाँ पे मिसेस कार्लिल जो थी उनको उन्होंने वो स्मोक बॉल यूज करी एज पर दी प्रिस्क्राइब्ड मेथड, उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो वो सूट फाइल करती हैं अपना अमाउंट क्लेम करने के लिए। तो कंपनी कहती है साहब आपके साथ तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट कि भैया जनरल ऑफर में आपको एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी नहीं होता, कंप्लाई कर दी है कंडीशन मान लिया जाएगा। ऑफर जनरल होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका हर उस व्यक्ति के साथ हो रहा है जो उस कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है, और आप बाउंड है वो पैसा मिसेस कार्लिल को देने के लिए। दैट वॉज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन जनरल ऑफर। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज भी इधर समझिएगा, इनविटेशन टू ऑफर और जनरल ऑफर के बीच में ना कई बार कंफ्यूजन होता है। न्यूज़पेपर का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो इनविटेशन टू ऑफर है या जनरल ऑफर है, इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स कि वो एड किस नेचर का है। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा मोबाइल फोन खो गया, मैंने फेसबुक पे ऐड डाल दिया, न्यूज़पेपर में ऐड डाल दिया कि भाई मेरा ये फोन खो गया, जो लाके देगा उसको मैं 2,000 रुपए नगद पुरस्कार दूंगा। ये जनरल ऑफर है। अगर मान लीजिए मैंने न्यूज़पेपर में या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे एक ऐड डाला कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है जो मैं सेल करना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में, और मैंने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये मॉडल है, इतनी चली है, सारी जानकारी दे दी, और मैंने लिख दिया जो भी इंटरेस्टेड हो वो मेरे से संपर्क कर ले, इज इट एन ऑफर, इज इट अ जनरल ऑफर और एन इनविटेशन टू ऑफर? बताइए जरा, दोनों समझा दिए हैं, थोड़ा बताइए। एक तो वो वाला एड जिसमें फोन खो गया है, मैंने लिखा जो भी फोन ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए नगद पुरस्कार, दैट्स अ जनरल ऑफर। ये क्या है जहां मैंने एड दिया है? आयुषी कह रही है सर व्हाट अबाउट मैट्रिमोनियल एड? हाँ, इट इज सिमिलर टू मैट्रिमोनियल बेटा, मैंने गाड़ी का एड डाला है, आप अपना भी डाल सकते हैं, लोग डालते हैं मैट्रिमोनियल, यहाँ तक पढ़े हैं, ये किया है, वो सब डालते हैं आप जानकारी अपनी, फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को आप इनवाइट करते हैं, तो ये क्या है? दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, प्लीज रिमेम्बर दिस इज इनविटेशन। क्यों इनविटेशन? क्योंकि वो फाइनल विलिंगनेस नहीं है। मैंने लिखा कि मेरी ये गाड़ी है, 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, अब उसमें जो भी आ रहे हैं आई विल पिक, मैं डिसाइड करूंगा किसको देना नहीं देना। आप 5 लाख लेके भी आ गए, मैं मना कर दूंगा, आपको नहीं दूंगा, आप मुझे लग नहीं रहे कि आप मेरी गाड़ी अच्छे से रखेंगे इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा। मैं मना कर सकता हूं क्योंकि मैंने जो न्यूज़पेपर ऐड दिया दैट्स नॉट एन ऑफर, दैट्स मेयरली एन इनविटेशन टू ऑफर। ये कहां से डिसाइड होता है? फाइनल विलिंगनेस फाइनल है कि नहीं, इज देयर एनी स्कोप ऑफ नेगोशिएशन और चॉइस, देन इट इज इनविटेशन टू ऑफर। लेकिन जहां मैंने लिखा कि मेरा फोन खो गया है,
जो भी ढूंढ के लाएगा 500 दूंगा, अब उसमें देर इज नो स्कोप, वो फाइनलिटी है, फाइनलिटी है उसमें। लेकिन ये जब मैंने ऐड डाला है कि जो भी इंटरेस्टेड हो, हाँ इसी ऐड में अगर मान लो मैं ये कर दूं कि भाई ये गाड़ी है, फोटो भी अपलोड कर दी, वीडियो भी लगा दिया, जिसको खरीदना 5,000 रुपए जो मेरे अकाउंट में सबसे पहले डालेगा मैं उसको ये गाड़ी दे दूंगा, अगर मैंने ऐसा ऑफर दिया है तब वो जनरल ऑफर है, क्योंकि फिर जो व्यक्ति मेरे अकाउंट में 5,000 एडवांस डाल देगा उसको मुझे गाड़ी देनी है, फाइनलिटी है, तब वो ऑफर कहलाएगी। अदरवाइज ये जो जनरल ऐड होते हैं ये सब क्या होते हैं, इनविटेशन टू ऑफर होते हैं, इस तरीके के एड्स न्यूज़पेपर के, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये हो गया अपना। अच्छा एक केस मैं थोड़ा सा स्किप कर गया, इम्प्लाइड वाले में ना एक केस और लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल, ये इंपॉर्टेंट केस है। ये किसका है, इम्प्लाइड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का केस है, अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल। इस केस में होता यह है बेसिकली कि एक व्यक्ति का फार्म हाउस होता है जिसमें आग लग जाती है, वो एक फायर सर्विसेज को कॉल करता है, एक एजेंसी होती है, कंपनी होती है जो फायर ब्रिगेड का काम करती है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है, और उन्होंने एक स्पेसिफाइड टेरिटरी डिक्लेयर कर रखी है जिसमें वो फ्री सर्विसेज देते हैं, एक ये टेरिटरी उन्होंने डिफाइन कर रखी है जिसमें वो फ्री सर्विसेज देते हैं। लेकिन ये जो बंदा था जिसने इनको कॉल करके बताया, इसका फार्म हाउस इधर था, उनकी फ्री सर्विसेज जहां होती हैं वो एरिया ये था, लेकिन इस बंदे का फार्म बाहर था, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इधर पे भी फ्री है, वो फोन करके बोल देता है कि भाई मेरे फार्म में आग लग गई है, आप आके उसको एक्सटिंग्विश कर दीजिए। कंपनी के लोग जाते हैं और इसके यहाँ जो आग लगी उसको बुझा देते हैं, फिर जब इससे पैसे मांगे जाते हैं तो ये कहता है हमने तो इसलिए कर दिया था कि हमको लगा था कि फ्री सर्विस है इसलिए मैंने किया था। तो कोर्ट ने यहाँ हेल्ड किया कि जब इस बंदे ने कंपनी की सर्विसेज मांगी है, जो डिफेंडेंट है जिसने कंपनी की सर्विसेज मांगी है, तो वो एक इम्प्लाइड प्रपोजल था कि आप मुझे सर्विसेज दीजिए और जो आपके रिस्पेक्टिव चार्जेस होंगे वो मैं पे करूंगा, ये इम्प्लाइड प्रपोजल उसने दिया था, और इसके बेसिस पे ही उस एजेंसी ने आके इस फायर को एक्सटिंग्विश किया है, बुझाया है, इसलिए वो व्यक्ति बाउंड है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड ऑफर, ठीक इसको भी याद रखिएगा। तो भाई देखो, इम्प्लाइड हो गया, एक्सप्रेस हो गया, स्पेसिफिक हो गया, जनरल हो गया, इसके अलावा एक फॉर्म और स्टैंडिंग भी हो गया, स्टैंडिंग ओपन ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर, एक और होता है आपका क्रॉस ऑफर, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां से भी एक प्री का क्वेश्चन बनता है, क्रॉस ऑफर होता क्या है वो समझना बड़ा खेल नहीं है, लेकिन उसका इंपैक्ट आपको थोड़ा समझना है। क्रॉस ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर बेसिकली इस टर्म से ही डिटरमाइन होता है, क्रॉस टर्म से होता क्या है, क्रॉस ऑफर का मतलब मान लीजिए ए ने एक ऑफर दिया किसको, बी को, और सेम आइडेंटिकल ऑफर बी ने भी, आइडेंटिकल सिमिलर नहीं, दोनों में डिफरेंस, सिमिलर मतलब उसके जैसा, आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली द सेम, सेम ऑफर बी ने भी दिया एट द सेम टाइम। जैसे मान लीजिए ए ने एक लेटर लिखा किसको, बी को, एक लेटर लिखा, इस लेटर में ए ने क्या किया, ए ने लिखा कि भाई मेरे पास जो सैमसंग का फोन है वो सैमसंग का फोन मैं 10,000 रुपए में तुम्हें बेचना चाहता हूं, ये लेटर इसने भेजा किसके पास, बी के पास। एट द सेम टाइम बी ने एक लेटर लिखा ए को और उसने भी उसमें ये लिखा कि भाई तेरा जो सैमसंग का फोन है क्या तू मुझे वो 10,000 में बेच सकता है, क्या बेचेगा 10,000 में, सेम आइडेंटिकल टर्म्स हैं दोनों के, ए ने बी को लेटर भेजा कि मैं अपना सैमसंग का फोन 10,000 में बेचना चाहता हूं, बी ने लिखा कि क्या भाई तू अपना सैमसंग का फोन मुझे 10,000 में बेचेगा। अब एक लेटर इसके पास पहुंचा, एक लेटर इसके पास पहुंचा, इसको अपन कहते हैं क्रॉस ऑफर, क्रॉस क्यों, क्योंकि दो आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को ड्यूरिंग ट्रांजिट क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं क्रॉस ऑफर, आइडेंटिकल होने चाहिए टर्म्स, ये ध्यान रखिएगा। सो जब दो आइडेंटिकल ऑफर्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। लेकिन सर आप हमको ये पढ़ा क्यों रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहा हूं, यहां से सवाल क्या आता है कि क्रॉस ऑफर क्या एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि आइडेंटिकल बात इसने लिखी और इसने भी वही चीज लिखी,
क्या इसकी लिखी हुई बात को अपन एक्सेप्टेंस मान सकते हैं भाई? क्योंकि सेम बात इसने यहां लिखी, उसने सेम बात यहां भेजी, तो क्या इसको एक्सेप्टेंस मान के एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है कि अब ए बाउंड है अपना फोन बेचने के लिए और बी खरीदने के लिए? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, दैट्स द करेक्ट आंसर। क्रॉस ऑफर बाइंडिंग नहीं होते, ये अभी भी क्या है, ये अभी भी सिर्फ ऑफर है, भले ही दोनों ने आइडेंटिकल दिया है एक दूसरे को, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ ऑफर है। अब इन दोनों में से कोई एक जैसे ही एक्सेप्टेंस देगा तब वो बाइंडिंग बनेगा, दोनों में से किसी एक को एक्सेप्टेंस देना जरूरी होगा यहां, ये अभी बाइंडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखना भाई। क्रॉस ऑफर जो होते हैं वो मेयरली ऑफर होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते। अब एक व्यक्ति चाहे बी लेटर लिख दे कि हाँ आई एक्सेप्ट योर ऑफर, या ए लिख दे यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर, दोनों में से कोई भी लिख दे तो वो बाइंडिंग हो जाएगा। दैट्स द स्टोरी ऑफ क्रॉस ऑफर। ऐसे ही एक होता है काउंटर ऑफर, उसकी बात अभी आगे करता हूं। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक और जनरल ऑफर, ठीक। अब आ जाइए ये ऑफर के बारे में। हाँ, इतनी चीजें मेरे ख्याल से ऑफर के बारे में फिलहाल सफिशिएंट है। अब अपन आते हैं थोड़ा एक्सेप्टेंस की तरफ। कम्युनिकेशन की बात तो हमने देख ली कि कम्युनिकेट होना जरूरी है, लेकिन इससे आगे भी थोड़ा जाएंगे, थोड़ा और चीजों को भी कम्युनिकेशन अभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बातें एक्सेप्टेंस की समझ लेते हैं, फिर दोनों का कम्युनिकेशन अपन साथ में पढ़ लेंगे, प्रपोजल का कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन दोनों का साथ में कंप्लीट करेंगे। सो देखिए एक्सेप्टेंस की बात अब अपन करते हैं। तो एक्सेप्टेंस जैसा आपने देखा, एक बार जरा बेरेट फिर से निकाल लीजिए और बेरेट में सेक्शन 2B देखिए। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल एक्सेप्टेड कब मान लिया जाता है, एक्सेप्टेंस कैसे होता है, या कब इसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है, जब व्यक्ति अपना एसेंट सिग्निफाई कर दे। एक व्यक्ति जिसने दूसरे को प्रपोजल दिया, जिस व्यक्ति के लिए वो प्रपोजल था, अगर वो अपना एसेंट सिग्निफाई कर दे, अपना एसेंट दे दे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं एक्सेप्टेंस। अब इस एक्सेप्टेंस के बिना अपने एसेंशियल्स हैं। केस की बात करी थी किसी ने, अभिषेक ने पूछा है रिलेटेड केस, लिख लो बेटा केस, इसका भी लिख लो, एक केस लिख लो क्रॉस ऑफर का, फिर एक्सेप्टेंस बता रहा हूं। टिन वर्सेस हॉफमैन केस लिख लो, हॉफमैन की स्पेलिंग देख लो, में डबल एफ है, हॉफमैन, ये केस आप लिख सकते हैं क्रॉस ऑफर में 1873, 1873, 1873। आयरन खरीदने के लिए एक व्यक्ति दूसरे को लिखता है लेटर, आइडेंटिकल टर्म्स, वो भी इसको बेचने के लिए लिखता है, क्रॉस होते हैं एक दूसरे में, उसको क्रॉस ऑफर कहते हैं, और सेम बात कि ये अभी भी ऑफर ही है, कोई एक एक्सेप्ट करेगा तब वो बनेगा बाइंडिंग, ठीक। सो दैट्स द केस। चलिए अब आ जाइए जरा अपने एक्सेप्टेंस की तरफ। तो ये तो आपने समझ लिया कि एक्सेप्टेंस मतलब जिस व्यक्ति के लिए आपने प्रपोजल दिया है वो अपना एसेंट सिग्निफाई कर दे, और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस प्रपोजल की आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, जिस प्रपोजल को आप सोच रहे हैं, क्या वो सेक्शन 2A के हिसाब से वैलिड है, तो उसकी कहानी मैं आपको अभी बताता हूं एक्सेप्टेंस के अंदर। अब जरा एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ चीजें हैं उनको जरा देखना है हमें, वो बहुत जरूरी है। सेक्शन 7 पे आइए, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड सेक्शन 7 थोड़ा जरूरी पॉइंट है। सेक्शन 7 बात करता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए। देखो यहां क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इन टू अ प्रोमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो प्रपोजल है एज इट इज एक्सेप्ट होना चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशंस या चेंजेस नहीं होने चाहिए। क्वालिफाई कर देने का मतलब चेंजेस कर देना, चेंजेस नहीं होने चाहिए,
एब्सोल्यूट मतलब एज इट इज, जैसे का तैसा एक्सेप्टेंस होगा तभी वो। जैसे मान लीजिए आप जिस प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं उसी को ले लेते हैं। आपने एक व्यक्ति को प्रपोजल दिया, सामने वाले ने एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, सामने वाले ने बोल दिया वी आर जस्ट फ्रेंड्स और लेट्स बी जस्ट फ्रेंड्स। आपने तो एक अलग प्रपोजल दिया था, सामने वाले ने उसको एज इट इज नहीं एक्सेप्ट करके क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया। दैट्स नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बेटा हम कहते हैं काउंटर ऑफर। इसको क्या कहते हैं, काउंटर ऑफर। तो ये जो सामने वाले ने फ्रेंडशिप का ऑफर दे दिया ना, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर। और ये मेयरली ऑफर है क्योंकि काउंटर ऑफर मैंने लिखा है, दिस इज मेयरली एन ऑफर जस्ट लाइक क्रॉस ऑफर। आप बाउंड नहीं है इससे, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उससे बाउंड हैं, एक्चुअली होते नहीं है। यू कैन लुक फॉर अदर थिंग्स इन लाइफ, आप बाउंड नहीं होते उससे। क्यों? क्योंकि दैट इज मेयरली अ काउंटर ऑफर। नाउ इट इज अप टू यू वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। मैंने आपको ऑफर दिया कि भाई मैं आपको जुडिशरी फाउंडेशन कोर्स पढ़ाऊंगा 80,000 रुपीज में। मैंने आपको कहा मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगा कितने में, 80,000 रुपए में। आपने कहा यार सर 80 तो नहीं दे पाएंगे, ऐसा करो आप डिस्काउंट दे दो, 60 में पढ़ा दो। तो आपने अब ये जो बोला कि सर 60 में पढ़ा दो, दैट इज अ काउंटर ऑफर, दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। अगर आप कहते हैं सर मैं 80 तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं 60 दे सकता हूं, 60 दे देता हूं, तो दैट इज मेयरली अ काउंटर ऑफर, दैट्स नॉट एन एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है, आपने उसमें बदलाव कर दिया। अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि सर 80,000 तो ठीक है लेकिन 5 इंस्टॉलमेंट में दे पाऊंगा मैं इसको, या 4 इंस्टॉलमेंट में दे पाऊंगा, 20-20 हजार एक साथ नहीं दे पाऊंगा, दैट इज ऑल्सो अ काउंटर ऑफर। नाउ इट इज अप टू मी वेदर आई एक्सेप्ट इट और नॉट। मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूं क्यों, आई एम नॉट बाउंड बाय दैट, क्योंकि आपने मेरे ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया। आई होप दिस इज क्लियर। काउंटर ऑफर क्या होता है, जब एक्सेप्टेंस में कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर दिए जाते हैं उसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। एंड आई होप दिस इज क्लियर। समझ आया भाई? हाँ? तो आप जब ऑफर करते हैं और सामने से रिप्लाई आता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो वो क्या होता है, काउंटर ऑफर होता है। इसके बाद एक चीज और लिखी हुई है सेक्शन 7 के क्लॉज 2 में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस के, कि आपने एक्सेप्टेंस दी तो है लेकिन मोड क्या है एक्सेप्टेंस देने का, उसके बारे में भी बात करता है। उसको भी यही समझ लेते हैं, फिर अपन दोनों का कम्युनिकेशन समझेंगे। सो बी देखिए 7 का, बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। एक्सेप्टेंस हमेशा कैसे होनी चाहिए, यूजुअल या रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। कोई भी रीजनेबल मोड, जैसे मैंने आपको ऑफर दिया फोन पे, आप फोन पे कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल कर दीजिए, आके बता दीजिए, कोई भी रीजनेबल मोड चलेगा। लेकिन आगे लिखा है अनलेस अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। अगर प्रपोजल में कोई स्पेसिफिक मैनर लिखा है कि नहीं आपको एक्सेप्टेंस इसी मैनर में देनी है, उस केस में आपको एक्सेप्टेंस उस स्पेसिफाइड मैनर में ही देनी है। वहां पे आप किसी भी यूजुअल मोड में नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपको ऑफर दिया और मैंने कहा भैया अगर एक्सेप्ट करना है तो ओवर मेल ही देना एक्सेप्टेंस, मेल की जगह आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो क्या मैं बाउंड होऊंगा उस व्हाट्सएप वाले एक्सेप्टेंस से? उसके लिए आगे कहानी लिखी है, पढ़िए जरा। इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स अ मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर, द प्रपोजर मे विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड नॉट अदरवाइज, बट इफ ही फेल्स टू डू सो ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। देखो इसको हिंदी में समझ लो, जो लिखा है बात यह है कि अगर मैंने कोई स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब किया है
और आपने मुझे एक्सेप्टेंस भेजी तो है, लेकिन उस प्रिस्क्राइब्ड मोड में नहीं भेजी है, किसी दूसरे मोड में भेज दी। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना है तो मेल करना मुझे, आपने व्हाट्सएप कर दिया। अब इस केस में मुझे ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा एक रीजनेबल टाइम में कि आपने जो एक्सेप्टेंस भेजी है व्हाट्सएप पे भेजी है और मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए थी मेल पे, आप वो भेजेंगे तभी मैं बाउंड होऊंगा, या मुझे वो आप भेजिए, ये बात अगर मैं आपको नोटिफाई कर देता हूं तो मैं आपकी उस व्हाट्सएप वाली एक्सेप्टेंस से बाउंड नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक्सेप्टेंस किसी भी यूजुअल मैनर से भेज दी, लेट्स से व्हाट्सएप, अगर मैंने उस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया तो मान लिया जाएगा दैट आई हैव एक्सेप्टेड योर एक्सेप्टेंस, मैंने उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, ये मान लिया जाएगा। इसलिए जो मोड मैंने प्रिस्क्राइब किया है, अगर आपने उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दी है, उस मैनर में नहीं दी है, तो इट इज माई ड्यूटी टू ऑब्जेक्ट ऑन दैट। आई होप यू गेटिंग दिस। अगर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि मैंने उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। दैट्स क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 7। चलिए अब आ जाते हैं अपन थोड़ा सा दूसरे एक डिस्कशन की तरफ, जो है हमारा कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस ऑफर और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, एक मिनट जरा मैं एक बार ये चेक कर लूं कि कहीं कोई एसेंशियल छूट तो नहीं रहा इसके अलावा कुछ। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक और केस इसके रिगार्डिंग है क्योंकि इंपॉर्टेंट, तो एक चीज ये और ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस उसी व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो यूजुअल मैनर में तो होना चाहिए और ऑफरी द्वारा ही होना चाहिए ऑफरर को, ऑफरी द्वारा ही ऑफरर को होना चाहिए। ऑफरी कौन है? जिसको ऑफर दिया गया है। ऑफरर कौन है? जिसने ऑफर दिया है। तो जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया था वो ही एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करेगा, कोई दूसरा नहीं। जैसे मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को प्रपोजल दिया, जिस व्यक्ति को आपने प्रपोजल दिया वो तो आके आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, उसका कोई फ्रेंड आके आपको बता रहा है कि यार भाई वो तुम्हारा प्रपोजल तो एक्सेप्ट हो गया है, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेट होनी चाहिए बाय दी ऑफरी टू दी ऑफरर, या फिर ऑथोराइज्ड एजेंट है तो वो कर सकता है। अगर कोई ऑथोराइज्ड एजेंट है वो कम्युनिकेट कर रहा है तो उसे वैलिड मान लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई तीसरा व्यक्ति ये करता है तो उस एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं माना जाता, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड एक केस भी है इंपॉर्टेंट, उसके फैक्ट भी मैं आपको बताता हूं, अगर आप में से कोई उसका नाम बता पाए तो प्लीज बताइएगा। होता यह है कि एक स्कूल में हेडमास्टर का अपॉइंटमेंट होना है और हेडमास्टर के अपॉइंटमेंट के लिए बोर्ड का डिस्कशन चलता है, कई सारे में वहां पे कंटेंडर थे, उनमें से एक व्यक्ति का नाम बोर्ड डिसाइड कर लेता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति को हम अपॉइंट करेंगे एज दी हेडमास्टर। लेकिन ये डिसाइड होता है कि आज मीटिंग हुई है बोर्ड की, कल सुबह वो लिस्ट जारी करी जाएगी ऑफिशियली, और कल सुबह जब वो लिस्ट आएगी उसमें ये बात मेंशन होगी कि भैया कौन चूज किया गया है, लेकिन बंदे को सेलेक्ट कर लिया गया। जैसे मान लीजिए ए को सेलेक्ट कर लिया, ए भी एक एप्लीकेंट था उसमें, और ए को सेलेक्ट कर लिया गया है कि हाँ भाई तुम्हारा अपॉइंटमेंट होगा। अब ए को ये बात, जो बोर्ड था जिसमें बहुत सारे लोग थे, उसका एक मेंबर पर्सनल कैपेसिटी में या प्राइवेट कैपेसिटी में वो व्यक्ति जाके उसे ये कम्युनिकेट कर देता है कि भाई तुम्हारा ना अपॉइंटमेंट हो गया है, तुम्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज दी हेडमास्टर, और 2-1 दिन में सॉरी कल सुबह तक लिस्ट भी आ जाएगी, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा। लेकिन होता यह है कि सुबह जब लिस्ट आती है उसमें नाम बदल दिया जाता है, किसी दूसरे को बता दिया जाता है। अब जो ए था वो जाके सूट फाइल करता है कि साहब वो तो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गया था, इनने रिवोक कैसे कर दिया? तो भैया यहां एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अभी हुआ नहीं है, ए को वो कैसे होना था ऑफिशियल मैनर में, अभी वो हुआ नहीं है,
बोर्ड के किसी मेंबर ने आके प्राइवेटली बता दिया ये वैलिड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है, बोर्ड को एक्सेप्ट करना था आपका ऑफर, आपने ऑफर किया था कि आप हेडमास्टर बनना चाहते हैं, बोर्ड को एक्सेप्ट करना था, उसने नहीं किया। वेरी करेक्ट आयशा, द करेक्ट आंसर इज पॉवेल वर्सेस ली, इसको भी लिख लीजिए नाम, पॉवेल वर्सेस वी, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। पॉवेल वर्सेस ली, पॉवेल वर्सेस ली का ईयर है 1908, 1908, 1908, दैट्स द ईयर। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन ऑफरी से होगा, ऑफरर के पास, तभी वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। सो दिस केस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा अभी कुछ राज्यों में चुनाव हुए, पता ही नहीं है मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, सब सोच रहे हैं हम बनने वाले हैं, अब किसी ने प्राइवेटली जाके बता भी दिया कि अरे तुम्हारा नाम आ गया है, लेकिन पता चला सुबह जब डिक्लेयर हुआ तब कोई और ही आ रहा है, ऐसे गेम हुए हैं। तो वहां पे ध्यान रखिएगा ये चीज। आयशा बेटा, जरूरी तो नहीं है साइटेशन, मैं आपको रेफरेंस के लिए बस बता दे रहा हूं ताकि आपको आगे पढ़ना हो इसके फैक्ट वैक्ट तो आप पढ़ पाए, बहुत जरूरी नहीं होता, याद है तो लिख दीजिए जुडिशरी के एग्जाम में, अगर ईयर आपको याद है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। कई बार, एक बार ये भी, कई बार ना स्टूडेंट का डाउट होता है सर नाम भूल जाते हैं केस का, बट आप नाम भी भूल जाएंगे ना तो चल जाएगा, मतलब ठीक है। देखो प्रायोरिटी ये है कि आप नाम साइटेशन लिख दें, लिख दें तो बेहतर, ईयर नहीं याद है नाम लिख दें, मैं कह रहा हूं नाम भी याद नहीं है ना रेशो लिख दो कि एक जजमेंट में ऐसा हुआ था, वो भी काम कर जाता है मेंस में, इतना घबराने वाली बात नहीं। देखो ना लिखने से बेहतर है रेशो लिख दो, याद है तो और बेहतर है, ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर याद है तो लिखिए नाम, कुछ भी लिखने से अच्छा है कि नाम, मतलब गलत सलत लिखने से अच्छा है अगर याद नहीं है तो आप लिख दीजिए इन अ लैंडमार्क केस और इन अ लीडिंग केस दिस 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 वॉज हेल्ड, तो कम्युनिकेट हो जाएगा कि आपने पढ़ रखा है, ठीक है। और आजकल इतना होता है, मतलब अब वो रटने वाले चीज से सभी स्टेट्स थोड़ा सा बचते हैं, है ना, तो इतना चलता है। तो भाई ये हो गया आपका अबाउट एक्सेप्टेंस, काउंटर ऑफर यहीं से निकलता है, आई होप दैट इज क्लियर। चलो अब अपन बात करेंगे कम्युनिकेशन की, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों के कम्युनिकेशन की अब अपन बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं सोच के तो आया था आज कि मैं आज आपको सेक्शन 9 तक करा दूंगा, जिसमें एक चीज और कराने का मेरा मन था, ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ कंसिडरेशन डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन जितना बड़ा ऑफर एक्सेप्टेंस है उतना ही कंसिडरेशन है, क्योंकि वहां प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल, ये सब वहां पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 25, तो मेरे को लग नहीं रहा आज हो पाएगा, इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा समझने वाला है तो इसको ही आज मैं कराऊंगा, कल अपन कंसिडरेशन एंड ऑनवर्ड्स बढ़ेंगे थोड़ा सा। मतलब मैंने कहा ना बहुत ज्यादा जल्दी में भी मैं नहीं हूं, एक आध दिन एक्स्ट्रा भी लगेगा तो 3 की जगह 4 दिन में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और आप कहें तो थोड़ा सा जल्दी भी करा सकता हूँ, थोड़ा स्किप भी कर सकता हूँ कंटेंट में, आप बता दीजिएगा मुझे आप कैसा चाह रहे हैं, ठीक चल रहा है तो वो भी ठीक है, थोड़ा आप चाह रहे हैं और तेज हो जाए तो कल से और तेज भी करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कम्युनिकेशन में पहले अपन देखते हैं प्रपोजल का कम्युनिकेशन, इसको थोड़ा समझ लेना, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इधर पे बन जाते हैं इस प्रपोजल या एक्सेप्टेंस के बेसिकली कम्युनिकेशन से। तो चलिए कम्युनिकेशन के लिए जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 4, सेक्शन 3 भी पढ़ लीजिए जस्ट फॉर रेफरेंस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। सेक्शन 3 है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ये कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स ऑन द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। 3 बेसिकली सिर्फ ये ब्रीफ करता है कि एक्सेप्टेंस कब माना जाए, प्रपोजल कम्युनिकेट हो गया कब माना जाए, रिवोकेशन कम्युनिकेट हो गया कब माना जाए, तो किसी भी यूजुअल मैनर में जहां ये इंटेंशन दिखे कि आपने कम्युनिकेट किया है और आपका कम्युनिकेशन का इंटेंशन है, वो जहां दिखेगा उसको वैलिड मोड ए मान लिया जाएगा या वैलिड कम्युनिकेशन उसको माना जा सकता है। असली कहानी है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाए, ये चालू हो रही है सेक्शन 4 से, ठीक।
ऑल राइट, तो आप लोगों का जो मेरे पास इसके रिगार्डिंग मैसेज आया है वो है कि दिस इज फाइन, इसी तरीके से चलिए, ठीक है। हाँ, मैं तो जल्दी में नहीं रहता हूँ, आप ही लोग रहते हैं थोड़ा सा। YouTube पे आपको सब कुछ फास्ट एंड फॉरवर्ड चाहिए जीवन में, भले समझ कुछ ना आए, है ना। वो अप्रोच के साथ इस क्रैश कोर्स में को मैंने डील नहीं किया है, बट वो अलग होता है, वो भी कभी कर लेंगे जरूरत पड़ने पे। बट अभी एक बार, पहली बार, क्योंकि शायद YouTube पे मैं डील कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा चलने देते हैं ना। एक ही दिन लगेगा एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा नहीं, 4 दिन में बड़े आराम से करा दूंगा। अभी भी वो भी मैं एक संभावना लेके चल रहा हूँ, हो सकता है 3 दिन में भी हो जाए विद दिस स्पीड ओनली। मैं चाह रहा हूँ केस वाइज, इधर ज्यादा है, 9-10 सेक्शन तक ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा लाइट हो जाएगा आपका, जल्दी हो जाएगा पोर्शन। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल भी यहीं से बनते हैं क्योंकि। चलिए सेक्शन 4 निकालिए बेयर एक्ट में, पहले प्रोविजन पढ़ेंगे, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको इधर कम्युनिकेशन समझा देता हूँ। सेक्शन 4 बात करता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। बहुत सिंपल है प्रपोजल का कम्युनिकेशन, बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति होता है प्रपोजर पी, एक व्यक्ति होता है एक्सेप्टर ए। प्रपोजल भेजता कौन है? पी भेजता है, पी प्रपोजल भेज रहा है। एक मिनट, व्हाइट से ही भिजवाते हैं, रेड से क्यों भिजवा दिया? व्हाइट प्रपोजर जो है, अरे ये अपना प्रपोजल भेजता है एक्सेप्टर के पास। कब मान लिया जाएगा कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है? तो बहुत सिंपल भाषा में यहां सेक्शन 4 कहता है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। जिसको प्रपोजल दिया जाना है उसके नॉलेज में आ जाए तो मान लिया जाएगा कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो इसने मान लीजिए लेटर के थ्रू भेजा, अगर इसने अपना, अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूं लेटर के थ्रू कर रहा हूं, किसी ने टेलीफोन पूछा था वो भी अपन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लेटर से समझ लीजिए, क्योंकि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा गया था उस समय फोन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मान लीजिए एक लेटर इसने 1 जनवरी को भेजा, 1 जनवरी 2024 को इसने लेटर भेजा। मान लीजिए लेटर यहां पे पहुंचा किस दिन? 10 जनवरी को पहुंचा, 10 जनवरी 2024। आप बताइए प्रपोजल का कम्युनिकेशन किस डेट पे कंप्लीट माना जाएगा? 1 जनवरी को इसने लेटर भेजा और लेटर रिसीव कब हुआ एक्सेप्टर के पास? 10 जनवरी को रिसीव हुआ। अब बताइए प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा एज पर दिस डेफिनेशन? सो द आंसर इज 10th जनवरी। नॉलेज में आएगा जब एक्सेप्टर के, तब माना जाएगा प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट। आई होप दैट इज क्लियर। अब इधर पे एक सवाल आपका ये भी आता है कि सर लेटर सक्सेसफुली रिसीव हो गया लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं, तब क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा? यस और नो बताइए तुरंत कमेंट बॉक्स में। लेटर पहुंच गया है लेकिन पढ़ा नहीं उसने खोल के, यहां देखो किसी ने लिखी दिया, आयुष ने लिखी दिया वो डाउट है। चलो बताओ, सब मैं ही थोड़ी बताऊंगा, उस तुम भी तो बताओ, मतलब नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा। क्या मान लिया जाएगा लेटर रिसीव हो गया तो नॉलेज में नहीं आया? कुछ लोगों का नहीं कहना है, कुछ लोगों का हाँ कहना है। इसके लिए जाना पड़ेगा बेटा इलस्ट्रेशन। ऐसे सवालों के जवाब लेजिस्लेचर इलस्ट्रेशन क्यों देता है अपने ड्राफ्ट में? ताकि जो बात लैंग्वेज से कम्युनिकेट नहीं हो रही है वो किससे हो जाए? इलस्ट्रेशन से कम्युनिकेट हो जाए। पढ़ लो जरा पहला इलस्ट्रेशन। ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। ए लेटर के थ्रू प्रपोज करता है बी को घर बेचना। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट, क्या लिखा है? व्हेन बी रिसीव्स द लेटर, अंडरलाइन कर लो रिसीव को। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट है? जब बी ने लेटर रिसीव कर लिया है। तो रिसीव हो गया इसका मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट है। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, ठीक है। कंस्ट्रीव कर लिया जाएगा कि आपके नॉलेज में आ गया है। अगर सक्सेसफुली रिसीव हो गया है तो कंस्ट्रीव कर लिया जाएगा कि
मान लिया जाएगा कि आपके नॉलेज में आ गया है, इलस्ट्रेशन इस बात को क्लियरली बता रहा है कि रिसीव, इसीलिए लिखा है वर्ड रिसीव। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है भैया, तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव नॉलेज भी कहते हैं, और जैसे ही रिसीव हो गया लेटर, काम खत्म। अब आप कहेंगे सर मेल से हुआ है, मेल आया इनबॉक्स में, पढ़ा नहीं, आईटी एक्ट अभी पढ़ा है 2 दिन पहले, उसमें सब था, कब रिसीव मान लिया जाएगा, कब डिस्पैच मान लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर आ गया मेरे, रिसीव मान लिया जाएगा, मेरे सिस्टम से बाहर चला गया, डिस्पैच मान लिया जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। टेलीफोन पे भी बताइएगा, उसको अलग से बताऊंगा। ठीक, तो आईटी एक्ट में अपन ने ईमेल का देख लिया है कब कंप्लीट, दैट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल लिखा है, जैसे ही नॉलेज में आया। दस गेम किस में है, तो गेम है भाई समझने वाला, वो हमारा है एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन में थोड़ा सा लफड़ा है एक्चुअली, थोड़ा सा ना मेरे को ये फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा अगर मुझे एक ही उसमें आपको सब समझाना है, क्योंकि प्रपोजल का कम्युनिकेशन आपको समझाना है, आपको मुझे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इसी में समझाना है, और रेवोकेशन भी मैं इसी में समझाना चाह रहा हूं आपको। सो देखिए भाई, प्रपोजल मान लीजिए 1 जनवरी को यहां से भेजा गया इधर, एक्सेप्टर ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, मतलब इसको मिला 10 जनवरी को, मिल गया इसको लेटर प्रपोजल का, ठीक, दैट वाज द प्रपोजल जो ऐसा गया। अब एक्सेप्टेंस की बात आएगी, एक मिनट इसको जरा मैं रेड कर दूं, एक्सेप्टेंस की बात आएगी अब कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाए। पढ़ते हैं सेक्शन 4, एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहता है। तो देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। फिर लिखा है द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। क्या लिखा है, प्रपोजर के अगेंस्ट कब, अब देखो ये ना दो पैराग्राफ में दिया, दो पॉइंट में दिया है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, दोनों के अगेंस्ट अलग अलग होता है, ये प्रपोजर है इसके अगेंस्ट अलग कंप्लीट होगा, एक्सेप्टर के अगेंस्ट अलग कंप्लीट होगा, इस बात को ध्यान रखना। अभी हमने किसका पढ़ा है, प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। देखिए पहले हम समझ रहे हैं प्रपोजर के अगेंस्ट कब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए, प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट होने का, प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि ये प्रपोजर कब बाउंड हो जाएगा, कब इसके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा एक्सेप्टेंस, कब ये बाउंड हो जाएगा, इसको हमने कहा है कि प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा। ठीक, प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया मतलब ही इज बाउंड बाय दैट, दैट्स व्हाट इट मींस। अब समझिए, प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट तब होगा जैसे ही एक्सेप्टेंस कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में चला जाए सक्सेसफुली, ऐसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में चला जाए कि वो एक एक कंट्रोल से बाहर हो जाए। एक लेटर प्रपोजर ने पोस्ट किया, ए ने रिसीव किया 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट। इन भाई साहब ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया, इन भाई साहब ने एक्सेप्टेंस का लेटर लेट से पोस्ट किया है 12 जनवरी को। अब 12 जनवरी को जब इन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, कहां करेंगे ये, अपने शहर में, शहर भी लिखते जाता हूं क्योंकि साथ में अपन प्लेस भी समझ लेंगे। प्रपोजर भाई साहब बैठे हैं भोपाल में, एक्सेप्टर भाई साहब बैठे हैं किधर, उज्जैन में, क्योंकि इसके पहले मुख्यमंत्री जी भोपाल में बैठते थे, मतलब बैठते तो अभी भी हैं लेकिन भोपाल बेल्ट के थे, तो एक वो रख लिया अपन ने, एक उज्जैन, नए पहले मुख्यमंत्री जी उज्जैन के, तो एक्सेप्टर मान लीजिए बैठे हैं उज्जैन में। ठीक, 10 तारीख को उन्होंने लेटर क्या किया, पोस्ट किया, किधर पोस्ट करेंगे, उज्जैन की पोस्टल अथॉरिटी, यस पोस्टल अथॉरिटी के पास,
पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करेंगे लेटर। तो जैसे ही 10-12 तारीख को इनके कंट्रोल से बाहर हुई एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कौन देगा? एक्सेप्टर देगा। जैसे ही इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया सक्सेसफुली ए के कंट्रोल से बाहर, जैसे ही सक्सेसफुली पोस्ट हुआ, पी के अगेंस्ट प्रपोजल, सॉरी, पी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। 12 तारीख को ही ये बाउंड हो जाएगा, भले ही पी को वो एक्सेप्टेंस मिले या ना मिले। अब देखो, 12 को तो इन्होंने यहां पोस्ट किया, तो ये एक्सेप्टेंस ऐसे आएगी इधर, और फिर ये यहां से पहुंचेगी कहां? इधर से ये पहुंचेगी यहां भोपाल। मान लीजिए पी ने रिसीव किया है उस एक्सेप्टेंस को लेट से 18 जनवरी को। इनने कब रिसीव किया है एक्सेप्टेंस? 18 जनवरी। 12 तारीख को वहां से पोस्ट हुआ, 18 को इनको मिला। तो भले ही पी को वो एक्सेप्टेंस मिला 18 जनवरी को है, लेकिन पी बाउंड कब हो गया? 12 जनवरी को ही बाउंड हो गया। जैसे ही लेटर सक्सेसफुली कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में गया, वैसे ही प्रपोजर बाउंड हो जाता है। इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप दैट इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। प्रपोजर कब बाउंड हुआ? समझ में आ गया भाई? यस, सॉर्टेड है। अब बात करते हैं अपन एक्सेप्टर की, कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, कब एक्सेप्टर बाउंड होगा इस कम्युनिकेशन से। उसके लिए देखिए सेकेंड पार्ट लिखा है प्रोविजन का, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। एक्सेप्टर के अगेंस्ट तब कंप्लीट होता है जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाए। एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है एक्सेप्टर के अगेंस्ट? जब वो प्रपोजर के नॉलेज में, प्रपोजर के नॉलेज में कब आया? 18 जनवरी। तो एक्सेप्टर हमारा कब बाउंड होगा इससे? 18 जनवरी को। भले ही पोस्ट 12 को कर दिया है, लेकिन यहां मिला 18 को, तो 18 तारीख को बाउंड होगा कौन? ए, एक्सेप्टर। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों किया गया है इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ऐसा क्यों किया गया इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसको थोड़ा समझिएगा, आयुष को समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना और वीडियो बैक करके देख लेना बाद में, अगर उसके बाद भी ना आए तो, है ना, और प्रोविजन साथ में पढ़ते जाएंगे तो समझ आएगा। हम जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस के, एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की अपन बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस देगा कौन बेटा? प्रपोजल जिसको मिला वो एक्सेप्टेंस देगा। ए इज द एक्सेप्टर हियर, वो देगा एक्सेप्टेंस। जैसे ही, कैसे दे रहा है एक्सेप्टेंस? लेटर के थ्रू। जैसे ही ए ने लेटर पोस्ट किया एक्सेप्टेंस का, पी के अगेंस्ट कंप्लीट, प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट, ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि जैसे ही एक्सेप्टर के कंट्रोल से बाहर हुई एक्सेप्टेंस, जैसे ही इसने लेटर पोस्ट कर दिया सक्सेसफुली, ये बंदा बाउंड हो गया, इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट। अभी ए बाउंड नहीं हुआ है, ए कब बाउंड होगा? जब ये एक्सेप्टेंस यहां पहुंचे पी के पास, पी के पास पहुंचेगी तो ए के अगेंस्ट कंप्लीट मान लिया जाएगा कम्युनिकेशन को। अब हम कम्युनिकेशन कंप्लीट और बाउंड होने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें यह देखना है कि कब ये रिवोक किया जा सकता है प्रपोजल, उसको भी अभी समझेंगे। इसलिए ये स्टोरी जब एंड होगी ना, तब एक बार आप बताइएगा आपके समझ आया है नहीं। अभी हो सकता है आपको ये समझने में भी प्रॉब्लम हो रही हो कि ऐसा अपन करी, ये डिस्कशन करी क्यों रहे कि कब कंप्लीट होगा। कंप्लीशन का डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देखना है, हमको देखना है कब बंदा बाउंड हुआ, और उसी से हमारी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होगी। ठीक। जैसे ही यहां से लेटर पोस्ट हुआ, पी बाउंड हो गया। लेटर जैसे ही यहां रिसीव हुआ, ए बाउंड हो गया एक्सेप्टेंस से। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन दोनों के अगेंस्ट कंप्लीट जैसे इधर पहुंच गया लेटर। दैट्स वन थिंग। ठीक। अब एक चीज और यहां इस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में आपको समझनी है, प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पे क्या माना जाए, किस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड माना जाए, उज्जैन में या फिर भोपाल में? कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड किस प्लेस पे माना जाए, कोई बता सकता है? उज्जैन या भोपाल? एक्सेप्टेंस पोस्ट हुई है उज्जैन में, एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है भोपाल में। एक्सेप्टर बाउंड हुआ है जब भोपाल पहुंचा, प्रपोजर बाउंड हो गया उज्जैन में ही जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ।
बताइए प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा माना जाए? इज इट भोपाल? मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट इट इज भोपाल जहां एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है। ऑल राइट, तो मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट की क्लास करना वाकई जरूरी था, है? दोनों भी कह रहे हैं लोग। भाई देखो, लेटर के थ्रू जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जब भी लेटर के थ्रू हो रहा है, एक बात ध्यान रखना, जैसे ही लेटर पोस्ट होता है वैसे ही एक पार्टी बाउंड हो जाती है। कौन सी पार्टी? प्रपोजर। इसीलिए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में जनरली प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये मानी जाती है जहां लेटर पोस्ट किया। किसकी बात कर रहे हैं अपन? टेलीफोनिक, सॉरी, पोस्टल की, लेटर के थ्रू। टेलीफोनिक की नहीं, उसकी कहानी अभी अलग से बताऊंगा। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? लेटर, लेटर, पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन में जहां लेटर पोस्ट होता है वैसे ही एक पार्टी बाउंड हो जाती है। अगर मान लीजिए, इसको थोड़ा ऐसा समझिए कि पी ने ऑफर दिया था ए को अपना मोबाइल फोन सेल करने का। पी ने कहा था मैं अपना मोबाइल फोन तुम्हें बेचना चाहता हूं 5,000 रुपए में। ए ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी 10-12 जनवरी को, उसने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी कि हाँ भाई मैं खरीदने को तैयार हूं। पी के पास वो लेटर रिसीव तो 18 को हो रहा, 14 तारीख को अगर इसका मन किया कि पता नहीं यार वो खरीदेगा कि नहीं, पी उठा के 14 तारीख को किसी और को फोन बेच देता है। इज ही बाउंड टू कॉम्पनसेट ए? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि पी के अगेंस्ट कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट हो गया था जब ए ने इस लेटर को पोस्ट किया था, एंड दैट वाज 12th जैन। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन कब किसके अगेंस्ट कंप्लीट होगा। आयुष, अब थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना बेटा। क्यों हम इस कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं इस कम्युनिकेशन कि भैया ये कब बाउंड हो गया था उस कम्युनिकेशन से? 12 जनवरी को, जैसे इसने लेटर पोस्ट किया, भले ही आप तक पहुंचाना हो। अब आप किसी दूसरे को बेच रहे हैं तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उसे। आई होप दैट्स क्लियर। अब पोस्टल कम्युनिकेशन में और कहां पे मान लिया जाता है? यही मान लिया जाता है, कंप्लीटेड। अब एक बात आपके जहन में हो सकता है, ये आई हो कि सर ऐसा अत्याचार पी के साथ क्यों हो रहा है? कि भैया इसके पास पहुंच तो 18 को रहा एक्सेप्टेंस, हम बाउंड इसको पहले ही कर दे रहे हैं, 12 तारीख को ही हमने इसको बाउंड कर दिया, जबकि एक्सेप्टेंस इस तक पहुंच रही है 18 तारीख को। ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये इक्विटेबल है? क्या ये सवाल आपके जहन में आया कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा अत्याचार क्यों, और इसको प्रिविलेज है थोड़ा कि इसके अगेंस्ट कंप्लीट तब होगा जब यहां पहुंच जाएगा, उसको बाउंड नहीं कर रहे हम, लेटर पोस्ट करने से बाद में कर रहे हैं। आपके जहन में ये सवाल आया या नहीं आया कि इस गरीब के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, इस गरीब के साथ अत्याचार इसलिए हो रहा है बिकॉज ही इज दी वन हु हैज इनिशिएटेड दी ट्रांजैक्शन। अब मान लीजिए ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि 12 तारीख को इसने तो लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का, और ये जो पोस्टल अथॉरिटी है इनसे वो लेटर कहीं खो जाता है, गुम हो जाता है वो लेटर, इस तक पहुंचता ही नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये किसी और को नहीं बेचेगा क्या? अभी नहीं बेच सकता क्योंकि उसने तो कम्युनिकेशन अपनी तरफ से कर दिया। इसको कंफर्म करना पड़ेगा, इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई तू खरीद रहा कि नहीं खरीद रहा, उसके बाद ये आगे एक्शन लेगा क्योंकि उसने अपना काम कर दिया लेटर पोस्ट करने का। अब आप कहेंगे सर गलती तो इसकी भी नहीं है, लेटर पोस्ट हो गया, पोस्टल अथॉरिटी ने लेटर खो दिया, तो गलती तो इसकी भी नहीं है। जैसे आप उसको बचा रहे हैं कि उसने तो अपना काम कर दिया लेटर पोस्ट करके, तो इसने भी तो अपना काम किया था, गलती तो इसकी भी नहीं है, इस पे ज्यादा बोझ क्यों? सो द आंसर इज बिकॉज ही हैज इनिशिएटेड द ट्रांजैक्शन। ऑफरर हमेशा ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है, इसलिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। दैट इज वन ऑफ द लॉजिक बिहाइंड सच थिंग्स। आप एक बात समझिए, बिकॉज यू आर दी, ये नहीं आया था आपके पास फोन खरीदने, आप गए थे, यू आर दी वन। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट में भी और जीवन में भी। ऑलवेज ट्राई टू बी एन एक्सेप्टर रादर देन अ प्रपोजर, क्योंकि जो प्रपोजर होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। आपने किसी को प्रपोजल दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया, अब वो जीवन भर सुनाएगा तुम आए थे हमारे पास, हम नहीं गए थे। ये जीवन में भी होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा, क्योंकि यू आर दी वन हु हैज इनिशिएटेड दी ट्रांजैक्शन।
इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी में प्लीज ट्राई ऑलवेज टू बी द एक्सेप्टर रादर देन द प्रपोजर। अब जितने लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं वो कह रहे हैं, सर कैसी बात कर रहे हो आप, क्यों ऐसे झूठे सपने हमें दिखा रहे हो आप कि हम भी एक्सेप्टर बनेंगे, कि कोई हमें प्रपोजल दे और हम एक्सेप्ट करें। ऐसा होता है, उसके लिए आपको थोड़ा काबिल बनना पड़ेगा, वो आप बनना नहीं चाहते। वीडियो देखना है तुमको कैसे करें जुडिशरी की तैयारी, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं है तुम्हें, तो फिर तुम कह रहे हो कि एक्सेप्टर कैसे बने, है कि नहीं? आई होप यू गॉट दी लॉजिक भी थोड़ा सा, वो बस इसलिए मैंने बताया, सो दैट यू कैन रिमेम्बर दी कम्युनिकेशन। प्रोविजन याद रहे इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक बस बताया है, ठीक? समझिएगा जरा। सो दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रपोजर के अगेंस्ट अलग और एक्सेप्टर के अगेंस्ट अलग। क्लियर है ता? अब अपन बात करते हैं इसमें टेलीफोनिक की। ये किसकी हो गई? पोस्टल की बात, टेलीफोनिक की। कोई भी इंस्टेंट मोड जिसमें तुरंत कम्युनिकेशन हो जाता है, इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर आप बता दें तो मजा आ जाएगा। केस का नाम बता सकते हो? पोस्टल का सॉरी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें बताया गया था कि कब कंप्लीट माना जाएगा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या मानी जाएगी, इस पे भी डिस्कशन है इसी केस में। क्या है भाई, जल्दी बताओ केस का नाम। केस का नाम है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। केस का नाम क्या है? भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को लेके। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, गिरधारी लालन कंपनी, दैट्स इंपॉर्टेंट। 1966, 1966 का केस है ये। देखो भाई, इस केस में एग्जैक्टली ऐसा ही एक ट्रांजैक्शन हुआ है, और वो ट्रांजैक्शन टेलीफोनिक है, इसलिए उसमें डेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डेट्स अभी मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, एक लॉजिक और अपन इधर समझेंगे, क्योंकि रेवोकेशन का। इसलिए आप मान लीजिए कि इंस्टेड ऑफ लेटर लेटर पी ने कॉल किया। अब कॉल किया है तो डेट का लफड़ा नहीं है, एट द सेम टाइम कॉल हो जाता है। पी ने अपना प्रपोजल फोन के थ्रू दिया ए को, ए ने वहां से अपना एक्सेप्टेंस बोला, कम्युनिकेट किया, लेकिन ड्यू टू प्रॉब्लम इन दी नेटवर्क या इसके यहां बाहर शोर हो रहा था, इसलिए वो सुन नहीं पाया और फोन कट गया। उसने तो कम्युनिकेशन कर दिया फोन पे, बट किसी वजह से पी जो है वो उस कम्युनिकेशन को सुन नहीं पाया। अब आप बताइए, क्या एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पी के अगेंस्ट कंप्लीट होगा जैसा लेटर में होता है? लेटर में क्या होता है, जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ, आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, आप बाउंड है। क्या टेलीफोनिक में भी ये लॉजिक एप्लीकेबल होगा? सो द आंसर इज नो। इस बात को बताया गया है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल में, कि जब टेलीफोनिक मोड के थ्रू, कोई भी ऐसे मोड के थ्रू जहां ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, पोस्टल अथॉरिटी में ना ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व होती है, और टेलीफोनिक में क्या होता है, एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन होता है, यहां से आपने बोला, सामने वाले ने सुन लिया। ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस को एट पार ट्रीट किया जाए टू फिजिकल कम्युनिकेशन। जैसे दो लोग आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं, टेलीफोनिक को उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, यह इस केस में कहा गया। और यहां दोनों पार्टी बाउंड तभी होंगे जब पी सक्सेसफुली सुन लेगा। एक्सेप्टेंस उसने जो दी, जब इस तक सक्सेसफुली पहुंचेगी तभी ये भी बाउंड होगा, पहले बाउंड नहीं होगा ये। टेलीफोनिक के केस में ये पहले बाउंड नहीं होगा, पोस्टल में होगा एज पर सेक्शन 4, लेकिन टेलीफोनिक में ये भी बाउंड तभी होगा जब ये सुन ली जाएगी, तभी बाउंड होगा। अब यहां जो मेन क्वेश्चन था वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके था। बताइए जरा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? अब पोस्टल की बात नहीं कर रहा हूं, पोस्टल में अपन ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं। टेलीफोनिक में प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? उज्जैन की भोपाल,
एक्सेप्टेंस को बोला गया है, कम्युनिकेट किया गया है उज्जैन में, और एक्सेप्टेंस को रिसीव किया गया है या सुना गया है भोपाल में, बताइए कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड किधर माना जाएगा? तो भैया गिरधारी लाल, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल में कोर्ट ने यही कंक्लूड किया कि इस केस में प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भोपाल होती है, जहां कम्युनिकेशन रिसीव किया गया है, जहां एक्सेप्टेंस रिसीव करी गई है वो होगा। खामगांव और अहमदाबाद का बेसिकली इसमें है, मैंने भोपाल उज्जैन से आपको वो बात समझाई है, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है और ये केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेलीफोनिक के लिए तो प्लेस भी समझ आ गई, कब कंप्लीट होता है ये भी समझ आ गया। अब बात करेंगे थोड़ी सी अपन रेवोकेशन की, तो थोड़ा ये मैं हटा दे रहा हूं जो काम का नहीं है, अब भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। अब ना डेट्स थोड़ी सी काम की हैं अपने, क्योंकि अब अपन बात करने जा रहे हैं किस चीज की, रेवोकेशन की बात करने जा रहे हैं। देखो भाई रेवोकेशन कैसे, रेवोकेशन मतलब कैंसिल, आपने प्रपोजल दिया और कैंसिल कर दिया प्रपोजल, आपने एक्सेप्टेंस दी कैंसिल कर दी, कैंसिल हो सकती है लेकिन कब कैंसिल होगी आप अपने प्रूडेंस से भी सोच के देखिए। ए ने जब सॉरी पी ने जब ए को प्रपोजल दिया, पी के पास ऑप्शन है प्रपोजल कैंसिल करने का, पी कब तक प्रपोजल कैंसिल कर सकता है, जब तक पी बाउंड नहीं हुआ है, यस और नो? भाई ये अगर उसकी एक्सेप्टेंस से बाउंड हो गया तब थोड़े अपना प्रपोजल ये कैंसिल करेगा, नहीं तो फिर मतलब ही क्या प्रपोजल भेज के एक्सेप्टेंस लेने का। तो अगर 1 जनवरी को इसने प्रपोजल अपना सेंड किया है और 10 जनवरी को वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, 12 जनवरी को उसने एक्सेप्टेंस पोस्ट करी, पी बाउंड कब हुआ? 12 जनवरी। पी बाउंड कब हुआ? 12 जनवरी, इस दिन पे पी इज बाउंड बाय दी प्रपोजल, बाय दी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से बाउंड हो गया। तो पी एक्सेप्टेंस से बाउंड हो उसके पहले ये अपना प्रपोजल रिवोक कर सकता है, इसके अगेंस्ट एक्सेप्ट हो प्रपोजल उसके पहले तक ये बंदा अपना प्रपोजल रिवोक कर सकता है, 12 जनवरी के पहले तक ये बंदा प्रपोजल रिवोक कर सकता है। एक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कुछ अच्छे स्टेट्स में, डेट के साथ टाइम भी दिया रहता है उसमें, टाइम क्या दिया, मेंस में भी सवाल पूछा गया है ये, वहां पूरा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना पड़ता आपको, टाइम दिया रहेगा। 1 जनवरी को इस बंदे ने भेजा, 10 जनवरी को, एक एग्जाम्पल से और समझिए, 12 जनवरी फिलहाल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, लाओ हटा ही देता हूं तभी निकलेगा। मान लीजिए 10 जनवरी को, अच्छा एक सेकेंड रुको, ठीक है 12 जनवरी अपन लिखे रहते हैं अभी, 12 जनवरी, 10 जनवरी को प्रपोजल रिसीव हुआ, उसके बाद इसके अब इसको तो एक्सेप्टेंस देना है, इस भाई ने क्या किया, 5 जनवरी को, ध्यान से सुनना थोड़ा सा भी अगर इधर से आपका ध्यान हटा खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट, समझ नहीं पाओगे और दोबारा मैं समझाऊंगा नहीं, रिपीट करके देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना अगले 5 मिनट मेरी बात। 1 जनवरी को प्रपोजल इसने सेंड किया, रिसीव हुआ 10 जनवरी को, इसको ऐसा लगा कि यार मेरे को प्रपोजल रिवोक करना है, 5 जनवरी को इसने लेटर पोस्ट किया, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं यहां पे रिवोकेशन का, 5 जनवरी को इसने क्या शेयर किया, रिवोकेशन, रिवोकेशन भेजा, ये रिवोकेशन इधर पे रिसीव कब हुआ, रिवोकेशन रिसीव हुआ सेम डे 12 जनवरी, और 12 को ये क्या कर रहा है, एक्सेप्टेंस भेज रहा है, और 12 को इसका रेवोकेशन यहां रिसीव हो रहा है। अब इसमें ना टाइम दे दिया रहता है और मेंस में आंसर लिखने को बोलते हैं कि रेवोकेशन वैलिड है या फिर एक्सेप्टेंस, प्रपोजल रिवोक मान लिया जाए या कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा पी के ऊपर, ये आपको बताना होता है उस क्वेश्चन में, समझना जरा। 12 जनवरी को जब रेवोकेशन यहां पहुंचता है, ये रेवोकेशन पहुंच जाता है दिन के 1 बजे, कितने बजे पहुंच जाता है, 1 बजे दिन के। इस बंदे ने 12 जनवरी को जो लेटर पोस्ट किया है वो किया है 2 बजे, दोपहर के 2 बजे उसने एक्सेप्टेंस पोस्ट करी, उसके पहले 1 बजे इसके पास रेवोकेशन पहुंच गया है द वेरी सेम डे। अब आप बताइए क्या पी इस एक्सेप्टेंस से बाउंड है या फिर इस प्रपोजल को रिवोक्ड मान लिया जाए? पी ने तो रेवोकेशन भेजा, 12 तारीख को पहुंचा 1 बजे,
और ए ने एक्सेप्टेंस दे दी 2 बजे। आप मुझे बताइए, लिख के रिवोक्ड और एक्सेप्टेड, रिवोक्ड और एक्सेप्टेड लिख के बता दीजिए, रिवोकेशन मान लिया जाएगा या एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा? गुड गुड, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट भैया आपके। रिवोक्ड मान लिया जाएगा क्योंकि रिवोकेशन पहले पहुंच गया उधर, रिवोकेशन उधर पहले पहुंच गया है क्योंकि, और ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इसने पोस्ट किया 2 बजे किया, उसके पहले रिवोक हो गया। अब एक रिवोक्ड प्रपोजल को आप एक्सेप्ट थोड़ी कर सकते हैं। यही काम अगर इसने 12 बजे कर दिया होता, थोड़ा सा बदल लेते हैं ताकि वो एस्पेक्ट भी समझ लें आप। यही काम अगर इसने 11 बजे कर लिया होता, मान लीजिए 11 AM, सुबह के 11 बजे इसने लेटर पोस्ट कर दिया, और इसके पास दोपहर में सेम डे 12 तारीख को सेम डे 1 बजे रेवोकेशन पहुंचता है, और पहुंचने के पहले 11 बजे उसने लेटर पोस्ट कर दिया है। अब बताइए रिवोक्ड और एक्सेप्टेड, रिवोक्ड और एक्सेप्टेड, इस केस में प्रपोजल रिवोक्ड माना जाएगा या फिर एक्सेप्टेड माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड, गुड, आ गया भाई समझ में, हो गया कम्युनिकेट मतलब, ठीक है चलो ऑल राइट। एक बार यस लिख के ये भी बता दो कि समझ आ गया है, ये मेंस का भी सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार यस लिख के बता दीजिए कि समझ आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, प्रपोजल कब, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कब, रेवोकेशन कब, यही सब प्रोविजन में लिखा है भयानक अंग्रेजी में। यस चलो गुड, अब आ जाओ प्रोविजन पढ़ लेते हैं, सब यही बातें लिखी हैं। सो भाई देखिए, फोर जो कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, हमने एक्सेप्टेंस और प्रपोजल दोनों के कम्युनिकेशन को समझ लिया, उसके रेवोकेशन की बात अगले पैराग्राफ में सेक्शन फोर में लिखी है, जरा बेरेक्ट में पढ़िए तो इसको आप और कोरिलेट कर पाएंगे। द कम्युनिकेशन ऑफ अ रेवोकेशन इज कंप्लीट, रेवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है वो देखिए, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। ये जो पहली वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रपोजर को, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन रेवोकेशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात कर रहा हूं तो ये बताओ प्रपोजल को रिवोक करेगा कौन? प्रपोजल को रिवोक वही व्यक्ति करेगा जिसने प्रपोजल दिया है। इसके अगेंस्ट रेवोकेशन, रेवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? जैसे ही रेवोकेशन इसके कंट्रोल से बाहर हो जाए, 5 तारीख को पी जैसे ही रेवोकेशन का लेटर यहां पोस्ट करेगा, पी उस रेवोकेशन से बाउंड है, पी उस रेवोकेशन से बाउंड हो गया। ए कब बाउंड होगा? जब ए के पास पहुंच जाएगा। ए कब बाउंड होगा रेवोकेशन से? जब ए के पास पहुंच जाएगा। जैसे प्रपोजल था वैसे ही रेवोकेशन है। सो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। इसके बाद आगे देखिए, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट्स कम, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। ए के अगेंस्ट कब, ए के अगेंस्ट रेवोकेशन कब कंप्लीट होगा? जब रेवोकेशन इस तक पहुंच जाए। तो 5 तारीख को इसने लेटर ऑफ रेवोकेशन पोस्ट किया, वो लेटर ऑफ रेवोकेशन 12 जनवरी को पहुंचा है, तो 12 जनवरी को रेवोकेशन कंप्लीट होगा ए के अगेंस्ट। इलस्ट्रेशन सेम दिए हैं, एक बार रीड करिएगा, सेम इलस्ट्रेशन जैसा मैंने आपको बताया। इसके बाद सेक्शन 5 पढ़िए, ये रेवोकेशन के बारे में बात कर रहा है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों के, वो इस कहानी को दर्शा रहा है कि प्रपोजल रेवोक अगर आप कर रहे हैं तो कब तक रेवोक कर सकते हैं। 5 में लिखा है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट As against the proposer, but not afterwards. That is very important. एक बार फिर पढ़िए इसको। A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance. उसके acceptance के communication होने के पहले, और acceptance का communication किसके against होने के पहले? आगे लिखा है, communication of its acceptance is complete as against the proposer. Proposer के against एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो उसके पहले तक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। इसके अगेंस्ट एक बार एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट अगर हो गया तो प्रपोजल रिवोक नहीं किया जा सकता।
इसलिए हमने ये टाइम वाली चीज देखी। जैसे 11 बजे अगर मान लीजिए लेटर पोस्ट कर दिया, ए ने 12 तारीख को 11 बजे अगर लेटर पोस्ट कर दिया है रेवोकेशन, सॉरी एक्सेप्टेंस का लेटर अगर ए ने पोस्ट कर दिया 11 बजे, और रेवोकेशन का जो लेटर है वो इसके पास 1 बजे दोपहर में पहुंचा, तो रेवोकेशन वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस पहले हो चुकी है। रेवोकेशन कब वैलिड होगा? जब यहां पहुंच जाए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होने के पहले। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होने के पहले मतलब 11 बजे के पहले, तब माना जाएगा रेवोकेशन। दैट्स व्हाट सेक्शन 5 सेज। सेक्शन 5 का लेटर पोर्शन एक्सेप्टेंस के भी रेवोकेशन की बात करता है। एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। इसको समझिएगा, प्रपोजल को रिवोक कौन करेगा? प्रपोजर करेगा। एक्सेप्टेंस को रिवोक कौन करेगा? एक्सेप्टर करेगा। भाई जिसने एक्सेप्टेंस दी है वही तो अपनी एक्सेप्टेंस को खुद विड्रॉ करेगा या रिवोक करेगा। तो ए अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक विड्रॉ या रिवोक कर सकता है? उसके लिए जो लेटर पोर्शन में लिखा है 5 के, एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। एक्सेप्टर के अगेंस्ट जब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। इसका मतलब ए अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है जब तक उस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इसके अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। अब जरा एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। ए ने अगर 12 तारीख को लेटर पोस्ट किया है एक्सेप्टेंस का, और एक्सेप्टेंस रिसीव किस दिन हुई है? 18 को। तो ए कब बाउंड हुआ? ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा है कम्युनिकेशन? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा है? जब वो प्रपोजर के पास पहुंच रही है, यानी कि 18 तारीख को। 18 तारीख को ए के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है, तो 18 के पहले पहले ए चाहे तो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। मान लो इसने 12 तारीख को लेटर पोस्ट कर दिया, 18 तारीख के पहले किसी भी स्पीडियर मोड से, कैसे? किसी भी स्पीडियर मोड से अपनी एक्सेप्टेंस को ए रिवोक कर सकता है। लेटर 18 को पहुंचा, 15 तारीख को फोन कर दे, भाई एक्सेप्टेंस भेजी थी लेकिन उसको मैं रिवोक कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, तो रिवोकेशन वैलिड हो जाएगा। इंग्लिश लॉ में ये अलाउड नहीं है, इंडियन लॉ में है ये, इंग्लिश लॉ में नहीं होता ऐसा, ठीक है? लेकिन यहां ये होता है और हो रहा है। ठीक, तो 18 तारीख को क्योंकि वो उसके अगेंस्ट कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का, उसके पहले पहले वो किसी भी और तेज मोड से रिवोक कर सकता है। आई होप दैट्स क्लियर, कोई समस्या इधर नहीं है। इलस्ट्रेशन पढ़ लेना एक बार, वही लिखे हैं। 6 और पढ़ लीजिए, रिवोकेशन हाउ मेड, क्या क्या तरीके हैं रिवोक करने के। तो एक तो है नोटिस भेज के, ये जो अपन कर रहे थे नोटिस भेज के रिवोक कर रहे हैं, कि पहले तुमने प्रपोजल का लेटर भेजा फिर तुमने एक लेटर भेज दिया रिवोकेशन का, नोटिस के थ्रू रिवोक किया। सेक्शन 6 देखिए, अ प्रपोजल इज रिवोक्ड फर्स्ट बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। कैसे कैसे प्रपोजल रिवोक हो सकता है उसके अपन मोड पढ़ रहे हैं। प्रपोजल को रिवोक करने का पहला मोड है नोटिस, जो इसमें हमने किया कि पहले तुमने प्रपोजल भेजा फिर एक नोटिस भेज दिया कि हम अपना प्रपोजल कैंसिल कर रहे हैं। दूसरा मोड, बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। देखो भाई, हो सकता है प्रपोजर कई बार एक समय निर्धारित कर दे। इसने अपना प्रपोजल दिया और एक टाइम दे दिया कि भैया इस दिन तक एक्सेप्टेंस दे देना, उसके बाद नहीं तो प्रपोजल मेरा रिवोक हो जाएगा। तो ऐसा प्रपोजर कर सकता है, और अगर विद इन टाइम लिमिट ये अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करता है तो प्रपोजल रिवोक्ड मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए प्रपोजर ने डेट लिखी है कि भैया 15 जनवरी के पहले एक्सेप्ट कर लेना, 15 जनवरी के पहले एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्टर ने अगर 12 तारीख को लेटर पोस्ट कर दिया है तो बताइए एक्सेप्टेंस वैलिड है या नहीं? प्रपोजर ने लिखा था कि 15 तारीख के पहले पहले एक्सेप्ट कर लेना, और ए ने 12 तारीख को लेटर सक्सेसफुली पोस्ट कर दिया है, अभी इस तक पहुंचा नहीं है, पहुंचा तो 18 को है, तो क्या प्रपोजल सॉरी एक्सेप्टेंस वैलिड है? यस वैलिड है। क्यों वैलिड है?
क्योंकि ये किस दिन बाउंड होता है, जिस दिन लेटर पोस्ट हो जाता है उसी दिन मान लिया जाता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगर विद इन टाइम कंप्लीट हो गया है तो वो वैलिड है। ठीक, अगर कोई टाइम निर्धारित नहीं है, एक तो ये कंडीशन होगी कि इसने टाइम प्रिस्क्राइब किया, अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। किस टाइम में होनी चाहिए? और रीजनेबल की कोई डेफिनेशन नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल केस को डिसाइड करेगा कि रीजनेबल समय क्या है, नेचर क्या है, जिस चीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। पेरिशेबल गुड्स का ट्रांजैक्शन है जो खराब हो सकते हैं तो टाइम लिमिट कम होगी, कोई ऐसी चीज है जो खराब वराब नहीं होगी और जिसमें ज्यादा समय लगता है, रीजनेबल टाइम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाएगा। तो दैट इज अप कंप्लीटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। इसके बाद थर्ड देखिए, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। अगर मान लीजिए प्रपोजर ने कोई कंडीशन प्रिस्क्राइब करी है कि आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो उसके पहले आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है, और अगर एक्सेप्टर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो भी प्रपोजल का रिवोकेशन हो जाएगा। जैसे इसने बोला कि भैया एक्सेप्ट करना है तो 2,000 रुपये पहले पेटीएम कर देना मेरे को, अगर ये 2,000 रुपये पेटीएम नहीं करता है एक्सेप्टर, एक्सेप्ट तो कर रहा है प्रपोजल, बाकी का पैसा बाद में देगा, लेकिन इसने एक प्री कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दी है प्रपोजल में कि अगर तुम्हें मेरा मोबाइल खरीदना है 10,000 में, ये तो मेरा ऑफर है, खरीदना है 2,000 एडवांस देने पड़ेंगे, 2,000 अगर ये एडवांस नहीं देता है तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी, प्रपोजल रिवोक्ड मान लिया जाएगा। फोर देखिए, बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर मान लीजिए एक्सेप्टर की डेथ हो जाती है या एक्सेप्टर इंसेन हो जाता है और इस बात की जानकारी प्रपोजर को मिल जाती है, सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी, बाय द डेथ ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर की डेथ हो जाती है या प्रपोजर इंसेन हो जाता है और इस बात की जानकारी एक्सेप्टर को हो जाती है कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के पहले, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के पहले अगर एक्सेप्टर को यह पता चल जाता है, इसके नॉलेज में यह बात आ जाती है कि प्रपोजर मर चुका है या प्रपोजर इंसेन हो चुका है, ऐसे केस में भी प्रपोजल रिवोक्ड मान लिया जाएगा। जैसे इसने प्रपोजल दिया, प्रपोजल ए के पास पहुंचा, ए अपना एक्सेप्टेंस देता उसके पहले ही पी की मौत हो गई और ये बात ए तक पहुंच भी गई, ए को पता चल गया है, नॉलेज में आ गया है कि प्रपोजल मर गया, तो अपने आप वो प्रपोजल रिवोक्ड मान लिया जाएगा, पी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होंगे, पी तो बाउंड नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होंगे क्योंकि प्रपोजल रिवोक्ड मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसने प्रपोजल दिया, ए ने एक्सेप्टेंस दे दिया, उसके बाद इसको पता चला कि पी प्रपोजल देने के बाद मर गया, ऐसे केस में तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है, तब तो ये रिवोक्ड नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिवोक्ड कब माना जाएगा? जब ए को ये बात पता चल जाए कि पी मर गया है, और ये बात कब पता चलनी चाहिए? एक्सेप्टेंस के पहले। तो अगर एक्सेप्टेंस हो गई है उसके बाद पता चला ये तो मर गया, ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कौन करेगा? तो वो अपन पढ़ेंगे परफॉर्मेंस में कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा ऐसे केस में वेयर पी इज डेड, इफ पी इज डेड तो परफॉर्म कौन करेगा? एल आर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे। ठीक, सेवन अपन ने पढ़ी लिया है इसके बारे में। एट है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। इसको मैं ना कंसीडरेशन में बताऊंगा, जैसे मैंने आपको अभी प्रॉमिस की सॉरी अग्रीमेंट की डेफिनेशन में भी एक चीज छुड़वाई है ना, मैंने अभी सिर्फ आपको ध्यान दिया है एवरी प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट, उसके आगे जो लिखा है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, वो पोर्शन मैंने छुड़वाया क्योंकि वो तब समझेंगे जब कंसीडरेशन समझेंगे। तो सेक्शन 8 को भी थोड़ा सा बताऊंगा, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करते चलेंगे, तो कंसीडरेशन में इसकी भी बात करूंगा। सेक्शन 9 देखिए, प्रॉमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, ये बता रहा है कि प्रॉमिस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकते हैं, जो अपन ने प्रपोजल में पढ़ा कि प्रपोजल एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। क्या लिखा है? इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, जब वर्ड्स में किया है तो प्रॉमिस क्या है? एक्सप्रेस है। आगे लिखा है इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड,
वर्ड्स के अलावा किया है। अलावा कैसे करेंगे, कंडक्ट के थ्रू, जो मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कुली उली वाले, कंडक्ट के थ्रू जब होता है तो वो इंप्लाइड होता है। सेक्शन नंबर याद रखिएगा, प्री में पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस इंप्लाइड भी हो सकता है, ये कौन से सेक्शन में दिया है, 9 में दिया है। प्रपोजल भी इंप्लाइड हो सकता है, एक्सेप्टेंस भी इंप्लाइड, पूरा कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड हो सकता है, ये बात सेक्शन 9 में दी है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए हैं सेक्शन 10। 10 भी मैंने आपको पढ़ा दिया एसेंशियल वाला। लेकिन एक टॉपिक जो मैं और करना चाह रहा था कंसिडरेशन, वो आज हम नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं, ऑफर एक्सेप्टेंस हमने किया है, बहुत अच्छे से समझा है, हर कॉन्सेप्ट को समझा है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था उसको बहुत अच्छे से आपने समझा है। तो आज के 3 घंटे की क्लास में हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया पहले कॉन्ट्रैक्ट का, फिर हम ऑफर एक्सेप्टेंस पे आए क्योंकि कुछ एडिशनल चीजें भी मुझे बतानी थी, फिर ऑफर एक्सेप्टेंस हमने डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड जितने सवाल बन सकते हैं सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। कल से मैं स्टार्ट करूंगा कंसिडरेशन से। अब एसेंशियल्स को एक एक करके पढ़ेंगे। एक चीज ये भी होगी, इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू बार ईच अदर लीगली, लीगल इंटेंट भी होना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे, कंसिडरेशन की भी बात करेंगे, और उसके आगे की भी कल हम बात करेंगे, है ना। हो सकता है हम कॉम्पिटेंसी भी कल कंप्लीट कर लेंगे आराम से, नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट वगैरह वो चीजें भी कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इसी स्पीड से मैं चलूंगा, कोई जल्दीबाजी अपने को नहीं है। मैंने कहा 3 के 4 दिन लगेंगे तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के पढ़ लेंगे ताकि याद हो जाए। यही सब आपने अगर नोट्स बना लिए है ना, तो यकीन मानो प्री में कुछ बचेगा नहीं, प्री के मेंस के क्वेश्चन भी होगा इसमें, ठीक। तो चलिए कल फिर मिलेंगे ठीक 12 बजे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.